عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين والله يهدي إليه من ينيب. मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बात के शुरू होने से पहले चंद बातें अच्छी तरह हम जहन नशीन कर लें ताकि सारी मजालिस में बैठने का पूरा पूरा नफा हमें मिले। सबसे पहली बात तो ये है कि हर साथी ये नियत करे कि हर मजलिस में शुरू से लेकर आखिर तक रहेंगे ताकि पूरी बात सुने, पूरी बात समझे। जब पूरी बात सुनेंगे और पूरी बात समझेंगे तो ही अमल पूरा कर सकेंगे, और जब अमल पूरा होगा तो उसका नफा पूरा होगा। अधूरे अमल पर कभी काम का पूरा नफा नहीं मिलता, इसलिए हर मजलिस में शुरू से लेकर आखिर तक रहना। इसलिए कि हर मजलिस का एक रंग है और हर मजलिस से एक काम मुतालिक है। जब इज्तिमा पूरा होगा तो सारी मजालिस मिलकर काम की एक मजबूत शक्ल हमारी जहनों में और हमारी जिंदगियों में कायम होगी, और उस मजबूत शक्ल को अपनाने के नतीजे में काम का पूरा पूरा नफा हमें भी मिलेगा और हमारे रास्ते से आलम को भी मिलेगा। इसलिए हर मजलिस में शुरू से लेकर आखिर तक रहना। दूसरी बात मेरे दोस्तों ये है कि हर मजलिस में पूरी बात को जाग कर सुनना। इसलिए कि आंखें बंद हो गई तो कान बंद हो गए, मजलिस में होने के बावजूद भी कोई बात दिल तक जाएगी नहीं, और जब बात दिल तक नहीं जाएगी तो जिंदगी के रुख को सही नहीं करेगी। मालूमात से जिंदगी नहीं बनती है, जिंदगी उस वक्त में बनती है जब बात कानों के रास्ते से दिल तक पहुंच जाती है। और अल्लाह ने दीन की बात में बड़ी ताकत रखी है जिंदगियों की तब्दीली की। किताबों में वाकई आता है कि डकैती की हालत में एक घर पर डकैती की कोशिश हो रही है और घर के अंदर से आवाज आई कुरान पाक के पढ़ने की, अलम यानी लिल्लदीन आमनु अन तख्शअ कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए वक्त आया नहीं है कि उनके दिल अल्लाह के लिए डर जाएं? बस इस बात का कानों के रास्ते से दिल तक क्या पहुंचना था कि फौरन जबान से निकला आ गया आ गया, और अपनी सारी चोरी चकारी के सामान को तोड़ फोड़ कर पूरा मजमा बैतुल्लाह पहुंच के फौरन जबान से निकला आ गया आ गया, और अपनी सारी चोरी चकारी के सामान को तोड़ फोड़ कर पूरा मजमा बैतुल्लाह पहुंचा और सच्ची पक्की तौबा करके बहुत बड़े अल्लाह वाले बनकर दुनिया से गए। ये दीन की बात का असर है, लेकिन असर उस वक्त में होगा जब ये दिल तक पहुंचेगी। तो दिल तक बात के पहुंचने के लिए जरूरी है कि बात को जाग कर सुनना। आंखें खुली है तो कान खुले हैं, आंखें बंद हुई तो कान बंद हो गई। और जाग कर सुनने का आसान रास्ता यह है कि आंखें बंद नहीं करना, नीचे नहीं देखना, घुटनों में हाथ नहीं डालना, टेका नहीं लगाना। ये सारी सोने की नियतें होती है, देख नहीं लगाना।
जब ये काम आदमी कर लेता है तो नींद आ ही जाती है, सोने की नियत कर लिया तो नींद आ जाएगी। इन सारी चीजों से बचते हुए बात करने वाले की तरफ ही देखते रहना। मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देखे, ना नीचे देखे ना आंखें बंद करें। उसी के साथ में पूरी बात को ध्यान और तवज्जो से सुने, इसलिए कि जब ध्यान और तवज्जो और इरादे से बात सुनेंगे तो अल्लाह ताला बात के सुनने का हक अदा करने के नतीजे में अमल की तौफीक देंगे। इसलिए दिल भी यहां हो, दिल दिमाग भी यहां हो और जिस्म भी यहां हो। जिस्म यहां है, दिल दिमाग इधर उधर है तो कानों तक आवाज आएगी, टकरा कर वापस चली जाएगी। और जिस्म के साथ दिल दिमाग यहां है तो कानों के रास्ते से बात दिल तक पहुंच जाएगी। इसलिए ध्यान से, तवज्जो से, इरादे से बात को सुनना, अमल की नियत से सुनना कि जो बात सुनी जाएगी सारी मजालिस में उन बातों पर पूरी तरीके से अमल करने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि अल्लाह की तरफ से जो दादो दहिश का निजाम है वो आदमी की नियत है। अल्लाह की तरफ से दो कायदे कुल्लिया है, वह इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा वलैस लिल्इंसान इल्ला मा सआ। फरमाया हर आदमी को उसकी कोशिश का सिला और बदला मिलेगा। वअन्न सअयहु सौफ युरा, हर आदमी की कोशिश देखी जाएगी, कोशिश सही है या गलत है। तो एक तो कोशिश पर मिलेगा, ये कायदे कुल्लिया है। दूसरा कायदे कुल्लिया है, वइन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा, हर आदमी को वो चीज मिलेगी जिसकी उसने नियत किया। अगर आपने अमल की नियत किया है तो अल्लाह अमल की तौफीक देंगे, जी चाहे तो भी न चाहे तो भी, हालात साजगार हो ना साजगार हो, माहौल मुनासिब हो ना मुनासिब हो, हर हाल में अल्लाह अमल की तौफीक देंगे अमल की नियत करने की वजह से। इसलिए बात को अमल की नियत से सुनना। अमल की नियत से बात के सुनने का नफा यह है कि वो बात महफूज हो जाएगी, जाए नहीं होगी और अमल के वक्त में याद आएगी। कुछ बातें वो होती है जो अभी इस मस्जिद से मुताल्लिक होती है तो अभी अमल में आ जाएगी। कुछ बातें वो हैं कि जो जिंदगी में दूसरी जगह पर से मुताल्लिक है, कि कारोबार से मुताल्लिक है, तो जब आप कारोबार में बैठोगे तो बात आपको याद आएगी कि इस कारोबार में मुझे ये करना है, हमने ये बात फलानी जगह सुनी थी। तो अमल का नफा ये होगा कि बात जाए नहीं होगी, बात महफूज हो जाएगी। जैसे एक आदमी का मेहमान आया तो मेजबान ने अपने बावर्ची से कहा कि मेरा ये खास दोस्त है, उसके लिए 10 किस्म के खाने तुमको तैयार करने हैं। और उसने 10 किस्म के खाने गिनाए। अगर पास में बैठे वाले आदमी से पूछे कि मैंने क्या पकाने के लिए कहा तो वो नहीं बता सकेगा, लेकिन बावर्ची बता देगा कि आपने ये बनाने के लिए कहा। इसलिए कि बावर्ची ने जो बात सुनी है वो पकाने की नीयत से सुनी है तो बात उसके पास महफूज हो गई। तो अमल की नीयत से सुनने की वजह से पूरे इज्तिमे में जितनी बातें हमारे दिल दिमाग पर पहुंचेगी वो महफूज होती चली जाएगी और जिंदगी में वक्त पर अमल के रास्ते से निखार लाती चली जाएगी। उसी के साथ में अच्छी तरह सुनते हुए, अच्छी तरह समझते हुए और अच्छी तरह करते हुए इस बात को पूरे आलम में और सारी इंसानियत तक ले जाने की नियत से सुनना कि बात को कहां तक ले जाना है, का पूरे आलम में लेकर जाना है और सारी इंसानियत तक लेकर जाना है। तो आलम तो बहुत बड़ा है, कई सौ मुल्क हैं और दुनिया में 800 करोड़ इंसान हैं, तो सारे इंसानों तक और सारी दुनिया तक जाना कैसे आसान होगा हर आदमी के लिए। तो वहां तक जाने का क्या रास्ता है, क्या पूरे आलम और सारी इंसानियत तक जाने का रास्ता यह है कि जहां तक और जितनों तक जा सकते हैं अपनी जिंदगी में जाना, और जहां तक नहीं जा सके और जितनों तक नहीं पहुंच सके
वहां तक बात को पहुंचाने के लिए बेहतरीन काम करने वाले आदमी अपनी जिंदगी में तैयार करना, ये मेहनत का सही रुख है, करना और करने वाले आदमी बनाना। क्यों भाई, बात याद रहेगी? देखो, आप हजरात ने मुझे मशवरे से ऊपर बिठाया है तो मुझे नजर आता है कि कौन जाग रहा है कौन सो रहा है। इसके लिए आप लोग आंखें बंद नहीं करना, जाग कर सुनना, मेरी तरफ देखते रहना। तो पूरे आलम में और सारी इंसानियत तक पहुंचाने का रास्ता यह है कि जहां तक जा सकते हैं और जितनों तक जा सकते हैं खुद जाना, और जहां तक नहीं जा सके और जितनों तक नहीं जा सके वहां तक बात को पहुंचाने के लिए अपनी जिंदगी में काम करने वाला बेहतरीन अमला बना करके मरना। ये आदमी बनाने का काम है और अमला बनाने का काम है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का यही रुख है। अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत बड़ा काम लेकर के दुनिया में भेजा था। आपकी मेहनत का मैदान पूरा आलम था, सारी इंसानियत थी और कयामत तक का जमाना था। ये आपकी मेहनत का मैदान है कि आपको इतना काम, बड़ा काम करना है, और इसके लिए काम का जमाना आपको जो दिया गया वो सिर्फ 23 साल का दिया गया। कि इतने बड़े काम पर काबू कितने वक्त में पाना है? क्यों भाई, कितने वक्त में पाना है बोलते रहो? 23 साल में, सिर्फ 23 साल का जमाना दिया गया कि इतने अरसे में इतना बड़ा काम करना है। तो उसके लिए आपने मेहनत का क्या रुख लिया? आपने मेहनत का यह रुख लिया कि आप अपनी 23 साल नबुवत के बाद की जिंदगी में जहां तक जा सकते थे वहां तक जाने में अंथक मेहनत आपने किया। और हजरत खदीजा से फरमाया, ला राहत बाद अल्यौम, कि खदीजा राहत के दिन खत्म हो गए, अब आराम खत्म हो गया, अब काम ही काम है। और अपनी 23 साल जिंदगी में आपका लंबे में लंबा सफर जो है वो तबूक तक का है, और आपकी मेहनत का मैदान पूरा आलम है। तो आपने हिजाज में काम किया और तबूक तक काम किया, तो पूरे आलम के काम पर काबू पाने के लिए आपने 23 साल दौरे नबूवत में अपना 1,25,000 सहाबा का बेहतरीन अमला तैयार फरमाया। ये मेहनत का सही रुख है, करना और करने वाले आदमी बनाना। जो सहाबा आपकी जिंदगी का आईना थे, सहाबा कौन है? फरमाया, सहाबा का तारुफ दो जुमलों में होता है, फुरसानु बिन नहार व रुहबानु बिल लैल, बस्सामु बिन नहार व बक्काउ बिल लैल। फरमाया, सहाबा कौन है? फरमाया, दिन के शह सवार है और रातों के या इबादत गुजारे, दिन को घोड़े की पूंछ पर बैठकर पूरी दुनिया में फिर रहे हैं लोगों को अल्लाह की पहचान कराने के लिए कि अल्लाह कौन है और कैसे है, और रातों के या इबादत गुजारे, कानो कलील मिन अल-लैल मा यहजउन व बिल असहार हुम यस्तगफिरून। फरमाए, रातों को ये बहुत कम सोते हैं और आखिर रातों में करके मिट के खप के अल्लाह के सामने इस्तगफार करते हैं कि अल्लाह करने का जो काम था उसका हक तो अदा नहीं हुआ। दिन में हशाश बशाश अल्लाह के दीन का काम करने वाले हैं और रातों को अल्लाह के सामने बहुत ज्यादा रोने वाले हैं, ये सहाबा की शान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के ये दो बड़े रुख हैं, आपका दीन दावत और तालीम के लिए अल्लाह ने आपको दाई और मुअल्लिम बना करके भेजा था, तो आपके दिन का अक्सर वक्त जो है वो दावत पर, तालीम पर, उम्मत की देखभाल पर खर्च होता था, और आपकी रात का बड़ा हिस्सा अल्लाह के सामने इबादत में, खड़ा होने में, रोने में और कुरान पाक के पढ़ने में खर्च होता था। यहां तक कि रात को आप इतना खड़े होते थे कि आपके पैरों पर वर्म आ जाता था। यह आपका दिन है, यह आपकी रात है, और यही दोनों चीजें आपके मजमे में मुंतकिल हुई। इसलिए मेरे दोस्तों, काम का सही रुख यह है कि काम को अच्छी तरह सुनना, अच्छी तरह समझना, अच्छी तरह करना,
और अच्छी तरह करते हुए काम करने वाले बेहतरीन आदमी और अमला बना करके मरना और जीना। कि वे बात समझ में आ रही है? इन चीजों के सामने रखकर सारी मजालिस में हमको बैठना है, ताकि जब बच्चमा हमारा इज्तिमा खत्म हो तो इन बुनियादों को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर और उसके करने के पक्के इरादे और अजाइम के साथ हम अपने अपने रुखों पर रवाना हो। कि भाई पूरा मजमा उसके लिए तैयार है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, समझने की बात यह है कि हमारी तमाम तर मेहनत अपनी जिंदगी में और पूरी उम्मत में पूरा पूरा दीन लाने की मेहनत है। इसलिए कि मेहनत किसी मकसद के लिए होती है। तिजारत जो है ये कमाई के लिए होती है, तिजारत तिजारत के लिए नहीं होती। ज़राअत जो है वो अनाज के लिए होती है, ग़िज़ा के लिए होती है, खेती खेती के लिए नहीं होती। मुलाजिमत तनख्वाह के लिए होती है, मुलाजिमत मुलाजिमत के लिए नहीं होती। ऐसा ही हमारी मेहनत में जितने रुख है, चाहे इज्तिमा का रुख हो, चाहे बाहर की मेहनत का रुख हो, चाहे मकामी मेहनत का रुख हो, चाहे इंफरादी अमाल हो, चाहे हमारे इज्तिमाई अमाल हो, हमारी मेहनत के ये सारे रुख अपनी जिंदगी में और पूरी उम्मत में पूरा पूरा दीन लाने के लिए है। इसलिए कि अल्लाह की तरफ से जितने वादे हैं कामयाबी के, वो दीन पर है, दुनिया और आखिरत के। कि दुनिया भी जो बनेगी वो दीन के रास्ते से बनेगी और आखिरत जो बनेगी वो भी दीन ही के रास्ते से बनेगी। दुनिया जो उजड़ेगी वो बेदीनी के रास्ते से उजड़ेगी और आखिरत जो उजड़ेगी वो भी बेदीनी ही के रास्ते से उजड़ेगी। आखिरत के बनने का रास्ता और दुनिया के बनने का रास्ता दीन है और दुनिया और आखिरत के उजड़ने का रास्ता बेदीनी है। ये पक्की टक्की बातें हैं, उसके खिलाफ कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए हमारी तमाम तर मेहनत अपनी जिंदगी में एक तो पूरा पूरा दीन लाने की मेहनत है कि जिंदगी में दीन हो और पूरा हो, और हमारी जिंदगियों में अपने दीन में हकीकत लाने की मेहनत है। इसलिए कि अमल है उसकी शक्ल है, उसमें हकीकत नहीं है। तो अल्लाह का वादा शक्ल के साथ पूरा नहीं होगा, अल्लाह का वादा हकीकत के साथ पूरा होगा। फरमाए नमाज दो रकात अच्छी पढ़ी तो सातों आसमान के ऊपर से मदद उतरवा देगी, और सैकड़ों रकातें पढ़ी लेकिन ऐसी पढ़ी कि पुराने कपड़े में लपेट कर उसके मुंह पर मार दी गई तो उस पर उसकी रोटी का मसला भी हल नहीं होगा। रोजा रखा तो ये ढाल है और उसका बदला अल्लाह है। रोजा ऐसा रखा कि फरमाया उसको भूख और प्यास के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ भूखा रहा और कुछ भी नहीं मिला उसमें। ये इसकी शक्ल है, इसकी हकीकत है। ऐसे ही हमारी दीन के हर अमल में अमल पूरा भी हो और उसमें हकीकत हो, इसकी मेहनत दावत और तबलीग के रास्ते से हो रही है। इसलिए कि दुनिया और आखिरत के जितने वादे हैं वो अल्लाह की तरफ से दीन के ऊपर है। इसीलिए फरमाया मन अमिल सालिहा मिन ज़करिन उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा व लनजज़ियन्नहुम अजरहुम बि अहसनि मा कानू यअमलून। अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं जो भी एक अमल करे, चाहे मर्द हो या औरत हो, ईमान की हालत में और यकीन के साथ, तो उसका पहला नफा ये होगा कि अल्लाह उसको पाकीजा जिंदगी अता फरमाएंगे। पाकीजा जिंदगी का ताल्लुक दुनिया से है,
कि दीन के इकमाल की वजह से और हकीकत की वजह से ईमान के साथ करने के नतीजे में उसका पहला नफा ये होगा कि अल्लाह दुनिया की जिंदगी को पाकीजा जिंदगी बना देंगे। तो पाकीजा जिंदगी किसको कहते हैं? पाकीजा जिंदगी इसको कहते हैं कि अल्लाह ताला जिस हाल में भी हो दिलों में इत्मीनान, चैन और सुकून अता फरमाए। झोपड़े में लेकिन दिल में सुकून है, रात को भूखा सोया है लेकिन बादशाहों किससे ज्यादा दिलों में सुकून है। तो ये सुकून अल्लाह अता फरमाएंगे, वो दीन के रास्ते से अता फरमाएंगे, आपस में मोहब्बतें अता फरमाएंगे, घर में, बिरादरी में, खानदानों में, शहर में, मुल्क में, आलम में। फरमाया हयात तैयबा का असर ये होगा कि झगड़े खत्म हो जाएंगे, मोहब्बतें कायम हो जाएगी। मुकद्दर की थोड़ी ज्यादा रोजी जो है वो अल्लाह हलाल और बरकत वाली आसानी के साथ देंगे, हलाल भी देंगे, बरकत वाली भी देंगे और आसानी के साथ देंगे। ये हयात तैयबा का असर होगा। दुनिया हालात का घर है, दुनिया हालात का घर है, कभी खुशी है, कभी गमी है, कभी बीमारी है, कभी तंदुरुस्ती है, कभी मालदारी है, कभी गरीबी है, कभी अमन है, कभी खौफ है। तो दुनिया हालात का घर है। तो जब कभी भी कोई हाल आएगा तो उस हाल से निकलने के लिए अल्लाह दुआओं में कबूलियत का मकाम अता फरमा देंगे कि हाल कैसा हाल हो जाएगा। फरमाया दुआ के रास्ते से हाल हल हो जाएगा, हाल से अल्लाह निकाल देंगे, वो दुआ की कबूलियत अता फरमाएंगे। और अल्लाह ताला इस हयाती तैयबा में ऐसी साफ सुथरी और पाकीजा जिंदगी अता फरमाएंगे कि हर आदमी को देखकर रश्क हो कि ये जिंदगी तो मुझे मिलनी चाहिए। ऐसी हयाती तैयबा फरमाया ईमान और अमल पर अल्लाह देंगे, ईमान के साथ। दूसरा वादा आखिरत का फरमाया, फरमाया इनके किए का बेहतरीन बदला जो देंगे वो आखिरत में देंगे। इसलिए कि दीन के दो नफे हैं, एक बरकत है एक बदला है। तो बरकत दुनिया में मिलेगी और बदला आखिरत में मिलेगा, इसलिए कि दुनिया बदले की मुतहम्मिल नहीं है। दीन का बदला बहुत बड़ा है और बड़ा बदला देने के लिए अल्लाह ने आखिरत बनाई है। तीसरे आखिरत में अल्लाह ताला बदला देंगे, जन्नत की शक्ल में, अपनी रजा की शक्ल में। एक तो जन्नत देंगे और जन्नत में अल्लाह अपनी रजा दे देंगे, जहां पर आदमी की हर ख्वाहिश पूरी होगी और आदमी की हर मांग पूरी होगी। मुख्तसर अल्फाज में समझे, वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन। तुम्हारे लिए जन्नत में वो है जो तुम्हारा जी चाहे, हर चाहत पूरी हो जाएगी और जो मांगोगे वो मांग पूरी हो जाएगी। तो ऐसी कामयाबी जन्नत की शक्ल में अल्लाह देंगे आखिरत में, दीन पर और पूरे दीन पर। और आखिर में अल्लाह रजा देंगे जन्नत की नियामत देने के बाद और फरमा देंगे कि मेरे बंदो, मैं तुमसे राजी हो गया हूं, अब कभी तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। अब अल्लाह की रजा की वजह से यह खटका खत्म हो जाएगा कि कभी नाराज होकर अल्लाह जन्नत से निकाल न दे। इसलिए कि अल्लाह जब किसी से एक मर्तबा राजी हो जाते हैं तो फिर कभी उससे नाराज नहीं होते हैं। तो ये बड़ी बड़ी नियामतें जो मिलेगी वो आखिरत में दीन के रास्ते से मिलेगी। इसलिए अल्लाह ताला की तरफ से जितने वादे दुनिया और आखिरत की भलाई के हैं वो दीन पर है। इसीलिए फरमाया ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا। फरमाया जो ईमान लाए और नेक अमल किए उसका असर दुनिया में क्या होगा? फरमाया अल्लाह इनके लिए मोहब्बतें दुनिया में पैदा कर देंगे कि अपने और पराए सारे इनसे मोहब्बत करेंगे, कोई इनसे नफरत नहीं कर सकता। ये मोहब्बत का असर है ईमान और अमल का। ये वादा है अल्लाह की तरफ से कि दुनिया में अल्लाह इनकी मोहब्बतें लोगों के दिलों में पैदा फरमा देंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिल मुमिनीन वलकिन्नल मुनाफिकीन ला यालमून। फरमाया इज्जत अल्लाह के खजाने में है, नबी के रास्ते से आती है और ईमान वालों के लिए आती है।
दुनिया में इज्जत का हक ईमान वालों के लिए है, ईमान वालों को ईमान की बुनियाद पर अल्लाह इज्जत देंगे। ला तहिनु वला तहजनु वअंतुमुल अअलून इन कुंतुम मुमिनीन। फरमाया घबराने की और गम करने की बात नहीं है, दुनिया में सरबलंदी तुम्हारा ही हक है अगर तुम मोमिन होए। ईमान पर अल्लाह दुनिया में सरबलंदी का मकाम अता फरमाएंगे, अल्लाह अपनी मदद साथ फरमाएंगे दुनिया में भी और आखिरत में भी। इन्ना लनंसुरु रुसुलना वल्लदीना आमनू फिल हयातिद दुनिया व यौम यकूमुल अशहाद। अल्लाह फरमाते हम अपने नबियों की मदद करते रहेंगे और ईमान वालों की मदद करते रहेंगे दुनिया की जिंदगी में भी और कयामत के दिन भी हमारी मदद इनके साथ चलेगी। वअदल्लाहु अल्लदीना आमनू व अमिलु मिनकुम व अमिलु सालिहात लयस्तखलफन्नहुम फिल अर्ध इला आखिर अल आया। अल्लाह जल्ला शानू फरमाते हैं, अल्लाह वादा करते हैं ईमान वालों से और नेक अमल करने वालों से कि उनको दुनिया के सियाह और सफेद का मालिक बनाएंगे, इनके हाथों दुनिया में हक को जिंदा करेंगे और हक के जिंदा करने की वो मेहनत इनके हाथों से लेंगे जो अल्लाह नबियों से लेते हैं। फरमाए वो मेहनत हम इनसे लेंगे और जैसे पहले लोगों से काम लिया इनसे काम लेंगे। और इनके लिए जिस दीन को पसंद किया है उसकी कमजोरी को खत्म करके उसको कुव्वत अता फरमा देंगे कि दीन का राज इनकी इनफरादी जिंदगियों पर भी होगा, इनकी इज्तिमाई जिंदगियों में भी दीन का राज होगा, इनकी सियासी जिंदगियों पर भी दीन का राज होगा और उनकी मुआशरती जिंदगियों पर भी दीन का राज होगा। दीन को ऐसी कुव्वत अता फरमाएंगे कि हर शोबे पर दीन की चलेगी और हर शोबा उसकी मातहती में चलेगा। और फरमाया कि उनके खौफ और हिरास को हम अमल से बदल देंगे। ईमान वाला खौफ के साथ नहीं जी सकता, फरमाया हम इनके खौफ और हिरास को अमन से बदल देंगे। इसीलिए फरमाया अल्लदीना आमनु वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्म फौलाइका लहुमुल अमन। फरमाया जो ईमान लाए और अपने ईमान में शिर्क की मिलावट नहीं किया, जुल्म की मिलावट नहीं किया, तो फरमाया अमन उनका हक है, दुनिया में अमन के साथ रहेंगे, ये कभी खौफ और हिरास के साथ नहीं रह सकते। इसलिए कि दुनिया में अमन ईमान के रास्ते में आएगा और दुनिया में सलामती इस्लाम के रास्ते से आएगी। ये मेरे दोस्तों अल्लाह की तरफ से हर अमल पर वादा है, हर अमल का वादा, दुनिया का वादा भी आखिरत का वादा भी है। कि एक मरतबा आदमी ने जिक्र किया अल्लाह का तो जिक्र का क्या नफा है? फरमाया जिक्र का नफा यह है कि जब जिक्र सही शक्ल से होगा तो अल्लाह दिलों में इत्मीनान अता फरमाएंगे, दुनिया का नफा है। और आखिरत का नफा यह है कि एक एक सुबहान अल्लाह पर उसके लिए जन्नत में एक पौधा लगाएंगे और वो पौधा इतना बड़ा होगा कि जब ये जन्नत में जाएगा तो उस पौधे की उस दरख्त के नीचे एक तेज रफ्तार घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे तो साया खत्म होकर के न देगा। ये एक सुबहान अल्लाह का नफा होगा आखिरत में। एक आदमी ने जकात पूरी निकाली तो फरमाया उसका क्या नफा होगा? फरमाया अल्लाह उसका कई गुना दुनिया में देंगे और आखिरत में भी हिसाब देंगे। लेकिन दुनिया में क्या नफा होगा? फरमाया उसका माल महफूज हो जाएगा, कोई चोर चोरी नहीं कर सकता, कोई डाकू डकैती नहीं डाल सकता और कोई पानी हलाक नहीं कर सकता, कोई बिजली उसके माल को जला नहीं सकती, माल महफूज हो गया जकात के देने की वजह से। और फरमाया उसका माल रोज बढ़ेगा जकात की वजह से, माल की जकात देने की वजह से रोज माल बढ़ेगा। फरमाया माल के बढ़ाने का गुर वो लोग जानते हैं जो एक एक पाई का हिसाब देते हैं जकात का। इसलिए मेरे दोस्तों दीन का नफा दुनिया का भी है आखिरत का भी है, शर्त यह है कि दीन पूरा हो अपनी हकीकत के साथ। ऐसी जिस तरह अल्लाह की तरफ से वादे हैं ऐसा ही बेदीनी पर वादे हैं कि अगर जिंदगी में दीन नहीं आया तो बेदीनी की नहुसत दुनिया में होगी और उसका वबाल आखिरत में होगा। इसीलिए फरमाया वमन अअरद अन ज़िक्री फइन्न लहू मईशतन दनका वनहशुरुहू यौमल क़ियामति अमा
قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ جل شانہ فرماتے ہیں جو ہماری ذکر سے اور ہماری اطاعت سے اور ہماری فرما برداری سے منہ موڑے اور اپنی من مانی اور بنچاہی زندگی گزارے, اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ اس کی نحوست ہے دنیا میں بے دینی کی کہ وسائل خوب ہوں گے اور راحتوں کے اسباب بہت ہوں گے لیکن پریشانیاں اتنی ہوگی کہ آدمی جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرے گا. آپ دیکھ لو دنیا میں خودکشی جو لوگ کرتے ہیں اکثر بھوکے لوگ نہیں کرتے ہیں, وہ لوگ کرتے ہیں جن کے پاس بہت وسائل ہیں, کھانے پینے کے, رہنے سہنے کے, سواریوں کے, سارے عیش و آرام کے وسائل ہیں لیکن اللہ نے زندگی کو تنگ کر دیا بے دینی کی نحوست کی وجہ سے اور اللہ کے ساتھ سرکشی کی نحوست کی وجہ سے, جس کی وجہ سے جینے کے بجائے مرنے کو پسند کرتا ہے. حالانکہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس موت کے بعد جو مصائب شروع ہونے والے ہیں وہ اتنے بڑے مصائب ہیں گے کہ دنیا کے مصائب اس کے سامنے ایک ذرے کی حیثیت نہیں رکھتے. لیکن آدمی حل سمجھتا ہے مرنے میں, حالانکہ مصائب کا وہ سمندر شروع ہوگا کہ آدمی روئے گا روئے گا, آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئے گا خون ختم ہو جائے گا, اس کے بعد پیپ روئے گا اور اس کے بعد اتنا روئے گا کہ اس کے آنسوؤں میں کشتیاں چلے گی لیکن اللہ کو کوئی ترس اور پیار نہیں آئے گا. اتنی بڑی تباہی کے ساتھ میں اس کی آخرت اجڑے گی جو اللہ کے دین سے اعراض کر کے زندگی گزارے گا. دنیا تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن اللہ اس کو اندھا اٹھائیں گے. وہ کہے گا اللہ میں تو بینا تھا دنیا میں, مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کہ ہماری آیتیں اور نشانیاں تمہارے پاس آئی, تم نے اس کو بلا دیا, آج کے دن تم کو بلا دیا جائے گا, کوئی سنوائی نہیں ہوگی. اللہ کو پکارے گا, اللہ کی طرف سے جواب ملے گا, اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, ذلت کے ساتھ پڑے رہو, ہم سے بات مت کرو. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, بنیادی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ہماری تمام تر محنت اپنی زندگیوں میں اور پوری امت کی زندگی میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ لانے کی محنت ہے. اس لیے کہ دین پورا ہوگا تو اللہ کی تائید اور مدد ساتھ ہوگی, اور جب دین ادھورا ہوگا تو دنیا میں نقد مصیبتیں آئے گی. اسی لیے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. فرمایا خشکی اور تری میں ناگواری کے حالات پیدا ہو گئے آدمیوں کے غلط کاموں کی وجہ سے, تاکہ اللہ ان کے بعض غلطیوں کا مزہ چکھاوے. اور اللہ کی طرف سے حالات بھی آتے ہیں بطور رحمت آتے ہیں, تاکہ ان حالات سے متاثر ہو کر آدمی اللہ کی طرف رجوع کرے. فرمایا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. فرمایا جو مصیبت بھی تمہارے پاس آ رہی ہے تمہارے غلط کاموں کی وجہ سے آ رہی ہے, اور بہت ساری غلطیاں تو وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا وَلَنُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. فرمایا بڑے عذاب سے پہلے جو موت سے شروع ہوگا. دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابات اور حالات ہم انسانوں پر بھیجتے ہیں تاکہ یہ اللہ کی طرف رجوع کرے. اس لیے مدد آئے گی پورے دین پر اور حالات آئیں گے ادھورے دین پر. اس لیے محنت اس بات کی ہے کہ ہماری زندگی میں پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ میں آئے. ادھورا دین کیا ہے اور پورا دین کیا ہے؟ میرے دوستو, اللہ کی طرف سے دو لائن کے احکامات ہیں, ایک کرنے کے لائن کے احکامات ہیں اور ایک بچنے کے لائن کے احکامات ہیں. جتنے کرنے کے لائن کے احکامات ہیں ان سارے کاموں کو کرنا, اور جتنے بچنے کے لائن کے احکامات ہیں ان ساری چیزوں سے بچنا, یہ پورا دین ہے. کرنے کے کچھ کام کیے کچھ نہیں کیے, بچنے کی کچھ چیزوں سے بچے کچھ چیزوں سے نہیں بچے, تو یہ ادھورا دین ہے. اس لیے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ
ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. اللہ جل شانو ایمان والے مردوں اور عورتوں سے مخاطب ہے اور یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں اور دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت اتری ہے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو اسلام سے پہلے ایک آسمانی مذہب کے ماننے والے تھے اور وہ اسلام سے پہلے سچا مذہب تھا. اسلام کے آنے کے بعد میں اللہ نے سارے مذاہب کو ختم فرما کر کے ایک ہی مذہب ساری انسانیت کے لیے طے فرمایا اور قرآن میں اعلان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. فرمایا اب ساری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ اللہ کی یہاں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلامی. دوسری کا فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. فرمایا اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چل کر جو کوئی بھی آئے گا اللہ کی یہاں ہرگز ہرگز وہ قبول نہیں ہوگا اور اس کی آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اجڑ جائے گی، ایسی اجڑے گی کہ اس کے بعد کبھی بھی آبادی نہیں ہوگی. اس لیے اب ساری انسانیت کے لیے ایک ہی مذہب طے ہوا، وہ دین اسلام ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ دین میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. تو یہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالم تھے اس مذہب کے. اس مذہب کے اندر میں اونٹ کا گوشت کھانا منع تھا. اسلام میں حلال ہے، فرض واجب نہیں ہے کہ آپ کو کھانا ہی پڑے گا، بلکہ حلال ہے، آپ کھائے تو ٹھیک ہے، نہ کھائے تو کوئی حرج نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں، زندگی بھر آپ نہ کھائیں تو کوئی آپ سے مطالبہ نہیں ہے. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو میرا اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور پہلا جو سچا مذہب تھا اس پر بھی عمل ہو جائے گا. ایسے اچھے جذبے سے ایک مباح چیز کو چھوڑا، فرض واجب کو نہیں چھوڑا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا، ایک مباح چیز چھوڑی اور اتنے اچھے جذبے سے چھوڑی. اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. اس لیے کہ ہم نے تمہارے لیے پورا پورا دین اتار دیا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو پورا پورا اتار دیا ہے، تمہیں جوتا پہننے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، شادی کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے، عبادت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے اور حکومت کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا ہے. پیدائش سے لے کر موت تک جو آدمی حرکت اور سکون کرتا ہے اس میں اللہ کی طرف سے پوری پوری رہبری ہے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے اور کب کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے. تو فرمایا ہم نے پورا پورا دین تمہارے لیے اتار دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور دین اسلام کے ذریعے سے ہم نے پوری پوری نعمتیں تمہارے پر اتار دیا ہے. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام تم کو پسند کر کے دیا ہے. اب اسلام کے آنے کے بعد کسی اور مذہب کی طرف، کسی اور طور طریقوں کی طرف، کسی اور تہذیب اور تمدن کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا اللہ اس کو برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ جو جس قوم کے ساتھ مشابہت کرے گا قیامت کے دن اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اس لیے دل سے، قلب سے، قالب سے، زندگی کے ہر حرکت اور سکون میں دین کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کر کے جینا، یہ دین کا تقاضا ہر ایمان والوں سے. اس لیے میرے محترم بزرگ و دوستو، ہماری محنت کی بنیاد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں پورا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ آتا چلا جائے. اس لیے ہر وقت میں محنت کرنے والے ہر فرد کو یہ دیکھتے رہنے کی ضرورت ہے کہ میں نے سال بھر تبلیغ کیا، میں نے 5 سال تبلیغ کیا، میں نے 10 سال سے تبلیغ میں ہوں، اس کے راستے سے
मेरी जिंदगी में दीन आ रहा है, बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। अगर दीन आ रहा है तो मेहनत अपने सही रुख पर तेजी के साथ जा रही है, दीन में हकीकत पैदा हो रही है तो दीन सही रुख के साथ मेहनत चल रही है। और अगर दीन नहीं बढ़ रहा है और दीन में हकीकत की कमी आती जा रही है तो ये अपने बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत है। इसलिए कि दीन पूरा होगा तो उसका नफा पूरा होगा, वरना जिस लाइन की कमी जिंदगी में होगी उस लाइन का वबाल आदमी की जिंदगी में उस लाइन से आएगा। एक आदमी की जिंदगी में ईमान में शिर्क मिला हुआ है तो अमन नहीं होगा, खौफ होगा। अच्छी तरह समझे, अल्लाह ताला हम सबको समझा दे, हमें और पूरी उम्मत को समझने की बातें अल्लाह हमारे लिए आसान फरमा दे। इसलिए कि जिस लाइन से कोई उबाल दुनिया में आएगा, जिंदगी में आएगा, इंफिरादी इज्तिमाई जिंदगी में, वो उबाल उस कमजोरी को दूर करने ही से दूर होगा। एक आदमी के ईमान में खोट है तो तहज्जुद पढ़ने से वो उबाल जो आया है ईमान की खोट की वजह से वो दूर नहीं होगा। तहज्जुद से, नफली रोजों से दूर नहीं होगा, ईमान की खोट दूर करने से वो उबाल दूर होगा। एक आदमी की इबादत में कमजोरी है, इल्म के साथ नहीं है, जहालत के साथ है, अल्लाह के ध्यान के साथ नहीं है, गफलत के साथ है, इसकी वजह से कोई उबाल जिंदगी में आया ही तो ये उबाल जहालत को खत्म करने के नतीजे में और गफलत को खत्म करने के नतीजे में उबाल खत्म होगा, उसके अलावा खत्म नहीं हो सकता। एक आदमी की जिंदगी में मुआशरत के लाइन की कमजोरी है, माँ बाप को नाराज करके रखा हुआ है, उसकी वजह से उबाल है जिंदगी में, तो उबाल माँ बाप को राजी के बगैर दूर नहीं होगा। याद रखें, कितना भी तबलीग करेंगे तो उबाल दूर नहीं होगा जब तक माँ बाप को राजी नहीं करेंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक सहाबी नौजवान के इंतकाल का वक्त हुआ, इनको कलमे की तलकीन की जा रही है, जबान से कलमा नहीं निकल रहा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई, आप तशरीफ लाए, ताकि के हाल किया तो पता चला कि इनकी मां को नाराजगी है, और नाराजगी की वजह क्या है? फरमाया जबान में थोड़ी सी तेजी है, जो तेजी मां के दिल को दुखा रही है, तो उसका असर ही हो रहा है कि मौत के वक्त में जबान से कलमा नहीं निकल रहा है। तो इस लाइन का कोई उबाल है जिंदगी में तो उबाल मुआशरत की लाइन का जो बिगाड़ है उसके दूर करने ही से उबाल खत्म होगा, दूसरे रास्ते से खत्म नहीं होगा। एक आदमी के जिंदगी में मामलात के बिगाड़ की वजह से कोई उबाल है तो उबाल मामलात को सही करने ही से उबाल दूर होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक गुलाम की शहादत हुई, लोगों ने बहुत सराहना शुरू किया, आपने फरमाया कि उसकी तरफ तो जहन्नम की आग लपक रही है माले गनीमत में एक चादर की खयानत की वजह से। चादर में खयानत की, जिसकी वजह से जहन्नम की आग उसकी तरफ लपक रही है। इसलिए मामलात की लाइन का बिगाड़ है तो बिगाड़ मामलात की लाइन को ठीक करने ही से वो बात दूर होगा। अखलाक की लाइन का बिगाड़ है जिसकी वजह से जिंदगी में कोई उबाल है अखलाक की बिगाड़ की वजह से, तो वो बिगाड़ और वो उबाल उसी वक्त दूर होगा जब अखलाक की पस्ती खत्म होकर अखलाक में मतलूबा शक्ल पैदा होगी, तो वो बिगाड़ खत्म होगा। नियत में खराबी है और नियत की खराबी की वजह से कोई उबाल आया है जिंदगियों में तो वो उबाल उसी वक्त में दूर होगा जब नियत सही होगी। तहज्जुद पढ़ने से उबाल खत्म नहीं होगा, याद रखें, नियत सही करने की वजह से उबाल खत्म होगा। इसलिए मेरे दोस्तों ये मुतालबा है कि दीन को जिंदगियों में पूरा पूरा लाया जावे और तबलीग की मेहनत में हर आदमी इस बात को देखे कि मेरी जिंदगी में दीन कितना आ रहा है और कैसा आ रहा है। इसलिए कि आदमी के खुद उसका दिल बताएगा कि तू तरक्की के रुख पर है या तनजुल के रुख पर है। सबसे बड़ा मुफ्ती आदमी का दिल होता है, सबसे बड़ा मुफ्ती आदमी का दिल। इस्तब्त कल्बक, अपने दिल से पूछ
तो दिल बता देगा कि तू तरक्की के रुख पर है या तनजुली के रुख पर है। अगर उसका दिल जिंदा है तो उसकी रहबरी करेगा कि भाई तेरी जिंदगी में ये कमजोरी है, इसको दूर करना चाहिए। इसीलिए फरमाया साहिबुल बैत यादरा भी माफी है, घर के मालिक को पता होता है कि घर में क्या है। हर आदमी अपनी निगरानी खुद करेगा तो इसकी निगरानी खुद हो जाएगी, और अपनी निगरानी खुद नहीं करेंगे तो दूसरा कोई हमारी निगरानी नहीं कर सकता। एक अल्लाह का ताल्लुक आदमी को रजाइल से बचा सकता है और एक आदमी की निगरानी आदमी को संभाल सकती है। इसलिए मेरे दोस्तों अपने आप को संभालते हुए इस मेहनत में चलाना है और हर वक्त में देखना है कि मेरी जिंदगी के हर शोबे में दीन में कमाल आता चला जाए और दीन में हकीकत पैदा होती चली जाए। इसलिए कि अल्लाह की ताईद और मदद कमाल के साथ में और हकीकत के साथ होगी, अधूरे दीन पर नहीं होगी और काम की शक्ल पर नहीं होगी, बल्कि काम की हकीकत पर होगी और अमल की हकीकत पर होगी। इसीलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुझे काम करने वालों पर इस बात का खतरा है कि वो काम न कर रहे हो और अपने बारे में ये गुमान लेकर फिर रहे हो कि हम तो बहुत काम कर रहे हैं। और फरमाया मेरी निगाह में काम ये है कि जिस आदमी को अल्लाह ने इस मेहनत में लगाया है हर वक्त में इस फिक्र, इस मेहनत और दुआ के साथ में जिए कि मेरी जिंदगी में ये छह सिफात अपनी हकीकत के साथ पैदा होते चले जाए तो ये काम है। अगर पैदा हो रहे हैं तो काम है और पैदा नहीं हो रहे हैं तो काम की शक्ल है, हकीकत से काम बहुत दूर है। इसलिए अपनी जिंदगी में छह सिफात की जिंदगी में आना ये काम ही। इसलिए कि पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ जो आएगा वो छह सिफात के रास्ते से आएगा। ये छह सिफात पूरा दीन नहीं है, लेकिन किसी की जिंदगी में भी पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ में आ नहीं सकता है छह सिफात की रियायत के बगैर। किसी आदमी का कोई अमल अल्लाह के मकबूल नहीं हो सकता है छह सिफात की रियायत के बगैर। उम्मत अपने तमाम इख्तलाफात के बावजूद, जबान का इख्तलाफ है, कौमियत का इख्तलाफ है, वतनियत का इख्तलाफ है, रंग और रूप के इख्तलाफात है और बहुत सारे इख्तलाफात है, वो सारे इख्तलाफात खत्म होकर के उम्मत एक और नेक नहीं बन सकती है ये छह सिफात के बगैर। इसलिए मेरे दोस्तों हमारे काम की बुनियाद ये छह सिफात है कि रोजाना सबसे पहले हमारा यकीन बने अल्लाह की जात पर, अल्लाह की सिफात पर। अल्लाह अपनी जात में भी बढ़े, अल्लाह अपने सिफात में भी बढ़े, अल्लाह हिफाजत करने वाले बढ़े, अल्लाह पालने वाले बढ़े, अल्लाह मारने वाले बढ़े, अल्लाह जिंदगी देने वाले बढ़े, अल्लाह की हर सिफत बड़ी है और अल्लाह महदूद है। तो अल्लाह की जात और सिफात का यकीन, और अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना पैगंबर बनाकर आपको बशारत और इल्म और इंजार का इल्म देकर के भेजा है, यानी वादे और वईद का इल्म देकर के भेजा है कि करने का ये वादा है, सच बोलोगे तो नजात मिलेगी, झूठ बोलोगे तो हलाक हो जाओगे, जकात दोगे तो माल बढ़ेगा, सूद में हाथ डालोगे तो मिट जाओगे। ये अल्लाह की तरफ से वादे है और वईद है। तो अल्लाह की जात और सिफात का यकीन आए, अल्लाह के वादे और वईद का यकीन आए, ये रोज बढ़े, हमारी इबादत में रोज हकीकत पैदा हो जाए, नमाज ऐसी अच्छी बने कि जिस नमाज के रास्ते से हमारी 24 घंटे की जिंदगी निखर जाए। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि नमाज की मिसाल जिंदगी में ऐसी है जैसा कि घर में रोशनदान होता है, घर का धुआं रोशनदान से बाहर जाएगा, ताजा हवा घर में जो आएगी वो रोशनदान से आएगी, ऐसा ही रजाई जिंदगियों से जो निकलेंगे वो नमाज के रास्ते से निकलेंगे और खसाई जिंदगी में जो आएंगे वो नमाज के रास्ते से आएगी। इसलिए नमाज के बारे में फरमाया इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, फरमाया नमाज की खासियत ये है कि आदमी को बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती रहती है। कैसी नमाज बनती चली जाएगी, जिंदगियों में रजाइल निकलते जाएंगे और खसाइल जिंदगी में आते चले जाएंगे। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के जमाने में एक नौजवान की आंख लड़ गई एक नोशीजा से, खैरुल कुरून का जमाना था, तो लड़की ने जो जवान से यू कहा,
कि आगे की बात तो बाद में करेंगे, पहला काम ये करो कि 40 दिन अमीरुल मोमिनीन के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ो। तो नौजवान ने 40 दिन तकबीर उला के साथ नमाज पढ़ना शुरू किया। जब 40 दिन पूरे हुए तो उसका असर ही हुआ कि लड़की का ध्यान जहन में से निकल गया, अल्लाह की मोहब्बत दिल में पैदा हो गई, ये नमाज का असर जाहिर हो गया। नमाज के बारे में फरमाया कि नमाज आदमी को बेहयाई और बुराई के सारे कामों से रोकती रहती है। फरमाया जिंदगियों में निखार जो आएगा वो नमाज के बनाने के रास्ते से आएगा। तो रोजाना हमारी नमाज में एक तो यकीन पैदा हो, रोजाना हमारी नमाज में शौक पैदा हो अल्लाह के सामने खड़े होने का, हमारी नमाज में इल्म आए मसाइल का और सुन्नतों का, हमारी नमाज में अल्लाह वाला ध्यान आए, हमारी नमाज में अल्लाह को राजी करने वाली नियत आए, ये हमारी मेहनत की बुनियादें हैं। इसलिए मेरे दोस्तों हमारी रोज इबादत में जान पैदा हो, हमारी जिंदगी इल्म की रोशनी में आए। 24 घंटे में हम जो काम कर रहे हैं उस काम में ये देखें कि इस काम के करने के लिए अल्लाह का क्या हुक्म है और उसके करने का नबी का क्या तरीका है। हुक्म भी जिंदा हो जाए, तरीका भी जिंदा हो जाए। इसलिए इल्म के माना है तहकीक हाल कि ये काम है, उस काम को करने का अल्लाह ने क्या हुक्म दिया है और उसका क्या तरीका बताया है, इसको मालूम करने का नाम इल्म है और उसके करने का नाम अमल है, जिक्र है। उस तरीके में से कर लिया तो जिक्र हो गया। एक आदमी रास्ता चल रहा है और आदमी निगाह नीचे करके चल रहा है तो ये जाकिर है। एक आदमी के हाथ में तस्बीह और हराम देख रहा है तो ये गाफिल है। इसलिए जिक्र की हकीकत जो है वो इताअत है। जिक्र की हकीकत इताअत है। कुल्लु मुतीउन ज़ाकिरुन, हर इताअत करने वाला आदमी अल्लाह का जाकिर है। एक आदमी दुकान पर बैठा हुआ है और अपने नौकर से कहा हुआ है कि 1 किलो में 900 ग्राम ही देना और हाथ में तस्बीह है तो ये गाफिल है। पूरा तोल रहा है पूरा दे रहा है तो ये जाकिर है। इसलिए जिक्र जो है उसकी हकीकत इताअत है कि जिस काम को जैसा अल्लाह ने करने के लिए कहा है और जिस तरीके पर करने के लिए कहा है उसको करने का नाम तरीका है, उसका नाम इल्म है और उस तरीके पर करने का नाम जो है वो अमल है और जिक्र है। इसलिए हमारी 24 घंटे की जिंदगी इल्म और जिक्र के साथ में गुजरे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि हमारी इस मेहनत में दो पहिए हैं, एक इल्म है और एक जिक्र है। इल्म और जिक्र के बगैर अगर ये तबलीग चल रही है तो ये तबलीग अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए कि जहालत के साथ तो आदमी अल्लाह को पहचान ही नहीं सकता है। बेइल्म न तवा खुदा रा शनाख, बगैर इल्म के अल्लाह को पहचाना नहीं जा सकता और गफलत के साथ में अल्लाह को याद नहीं किया जा सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों इल्म और जिक्र में तरक्की हो। 24 घंटे की हमारी जिंदगी की हर हरकत और सुकन में अल्लाह का हुक्म जिंदा होना चाहिए और नबी का तरीका और सुन्नत जिंदा होनी चाहिए और जिंदगी हमारी इताअत पर आनी चाहिए। रोज हर मुसलमान से मोहब्बत पैदा होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। फरमाया तुम मोमिन नहीं बन सकते जब तक तुम जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते जब तक तुम मोमिन न बनो, और तुम्हारा ईमान कामिल नहीं हो सकता है जब तक तुम आपस में मोहब्बत न करो। और फरमाया ये रास्ता न बताऊं जिससे मोहब्बत पैदा हो। फरमाया सलाम को खूब फैलाओ, जानने वाला हो न जानने वाला हो हर एक को सलाम करो, सलाम के रास्ते से आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएगी। घर में दाखिल हो तो सलाम करो, कोई ईमान वाला मिले तो उससे सलाम करो। फरमाया सलाम करने वाले इसकी वजह से आपस में मोहब्बतें पैदा होगी, सलाम करने वाले को भी सवाब मिलेगा और जवाब देने वाले को भी जवाब मिलेगा, सलाम का सवाब मिलेगा। इसलिए हर मुसलमान से मोहब्बत करना है, मस्जिदवार जमात के साथियों से मोहब्बत, हल्के के साथियों से मोहब्बत, शहर के काम करने वाले साथियों से मोहब्बत, आलम के साथियों से मोहब्बत। नफरत की तो हमारे काम में कोई गुंजाइश ही नहीं है। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि ये मस्जिदवार जमात का काम और दावत का काम तो मोहब्बतें बांटने का काम है। जब हमारे अंदर में मोहब्बतें होगी तो दुनिया में मोहब्बतें फैलेगी।
इसलिए गुनेगार से गुनेगार मुसलमान से मोहब्बत करना आ जाए। एक आदमी शराबी है, कबाबी है, गुनाहों में लतपत है, लेकिन उसके दिल में ईमान है, तो गुनाहों से नफरत करेंगे, ईमान वाले से मोहब्बत करेंगे। जैसे बीमारी से नफरत होती है, बीमार से मोहब्बत होती है, ऐसे गुनाह से नफरत, गुनेगार से मोहब्बत। तो हर गुनेगार से गुनेगार मोहब्बत से ईमान वाले से मोहब्बत करना आ जाए, इसलिए कि मोहब्बत के रास्ते से हमारे ईमान में कमाल पैदा होगा। फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्ब लिअखीही मा युहिब्ब लिनफ्सिही। फरमाया, तुम में का कोई भी आदमी कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक अपने भाई के लिए वो चीज न पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता है। और ईमान वालों के बारे में अल्लाह का फैसला है, इन्नमल मुमिनून इख्वा, सारे ईमान वाले आपस में भाई भाई है, ईमान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है, ईमान सबसे बड़ा रिश्ता है। इसीलिए गज़वे बदर में जब कैदी पकड़ करके आए हैं दूसरी तरफ के, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया कि इन कैदियों के साथ क्या करना चाहिए। तो हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने राय दिया कि अल्लाह के नबी उनसे फिदिया लेकर छोड़ देना चाहिए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने राय दिया कि अल्लाह के नबी, मेरी राय है कि हर मुसलमान के हाथ में उसके काफिर रिश्तेदार को दे दो, बाप मुसलमान है, बेटा बेईमान है, बाप के हाथ में उसके बेटे को दे दो, वो उसकी गर्दन मार दे और अल्लाह के सामने हम साबित कर दे कि जो ईमान वाला है वो हमारा है, जो ईमान वाला नहीं है वो हमारा नहीं। सबसे बड़ा रिश्ता जो है वो ईमान का रिश्ता है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, हर ईमान वाले से मोहब्बत करना आ जाए, नफरतें खत्म हो जाए, दुश्मनियां खत्म हो जाए, तेरी मेरी खत्म हो जाए, हर एक को निभाना आ जाए, हर एक से मोहब्बत करना आ जाए, हर एक के काम में आना आ जाए। मौलाना सईद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि जो हर एक से जुड़ जाए और हर एक को जोड़ ले, जो हर एक से माफी मांग ले और हर एक को माफ कर दे, वो तबलीग के अंदर में सही तरीके से मौत तक चल सकता है। इसलिए कि गलती तो आदमी से ही होगी, तो गलती हो जाए तो माफ करने का हुक्म है, गलती हो गई तो माफी मांगने का हुक्म है कि माफी मांग ले। बड़े बाप का आदमी ना बने कि मैं क्यों माफी मांगू, बल्कि माफी मांग ले और जिससे गलती हुई वो माफ कर दे। जब आपस में हम एक दूसरे को माफ कर देंगे तो अल्लाह भी हमको माफ कर देंगे। उसी के साथ मेरे दोस्तों, रोज हमारे फिक्र बने अपने आखिरत के बनाने का और अल्लाह को राजी करने का, रोज हमारे अंदर में तरक्की पैदा हो कि अल्लाह मुझसे राजी कैसे हो जाए, मेरी जिंदगी रजा के साथ कैसी गुजरे, ये फिक्र हमको लायक हो जाए। मौत अल्लाह की रजा पर कैसे आए, मेरी जिंदगी का हर अमल मेरी आखिरत को कैसे बनाए और आखिरत को उजाड़ने से कैसे बचाए, इस फिक्र के साथ हमको जीना आ जाए, ये हमारी मेहनत की बुनियादें हैं। इसलिए कि मुखलिसीन हिदायत के चिराग है और मुखलिसीन के हाथों बड़े बड़े फितनों को अल्लाह ताला दफन करते हैं और मुखलिसीन के हाथों अल्लाह दुनिया में हिदायत को चलाते हैं, चाहे वो थोड़े हों चाहे ये कमजोर हों। इन कमजोरों और थोड़ों के हाथों अल्लाह दुनिया में हिदायत को चलाएंगे, शर्त यह है कि वो अल्लाह चाहते हो और आखिरत चाहते हो। उसी के साथ मेरे दोस्तों, इस मेहनत के रास्ते से जान माल के धोखे से हम निकले, जान माल के धोखे से निकले। हमको ये बात लग गई है कि जान मेरी है, माल मेरा है, मैं जहां चाहे वहां लगाऊं, जब चाहे वहां लगाऊं और जितना चाहे वहां लगाऊं। इस धोखे से हम निकले कि जान माल मेरी नहीं है, अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है और अल्लाह ताला ने मेरे हाथ में अमानतन दिया है और उसके लगाने का एक मसरब बताया है, मुझे उस मसरब पर अपनी जान माल को लगाना है और इतनी लगाना है जितना मेरी लगाने का अल्लाह की तरफ से हुक्म है। इसलिए कि हमारी मेहनत की जो शक्ल अल्लाह वालों ने ईमान वालों की कमजोरी को सामने रख करके दिया है, ये मेहनत की इब्तदाई शक्ल है। ये मेहनत की इब्तदाई शक्ल है। साल है, चार महीना है, चिल्ला है, हर साल चार महीना है, मकामी अमाल है, ये मेहनत की इब्तदाई शक्ल है। जैसे कुरान पढ़ने के लिए अलिफ बा ता पढ़ना होता है, डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए एबीसीडी पढ़ना होता है, ऐसी मेहनत की एक शक्ल अल्लाह के इल्म में तय है और पसंदीदा है। वहां तक पहुंचने के लिए एक मेहनत की एक तरतीब है
कि जिसको सही तरीके से करने की वजह से आगे की इस्तेदाद पैदा होती चली जाए और वो चीज जिंदगी में कायम हो जाए जो अल्लाह की या पसंदीदा है। इसीलिए मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आप इस मेहनत से क्या चाहते हैं। फरमाया मैं इस मेहनत से ये चाहता हूं कि उम्मत इस मेहनत को करते करते दीन की उस सतह तक पहुंच जाए और मेहनत की उस सतह तक पहुंच जाए जिस सतह पर और जिस मेहनत की बुनियादों पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को छोड़कर गए थे। ये हमारी मंजिल है। हमारी मंजिल चिल्ला चार महीना साल नहीं है, हमारी मंजिल सहाबा है। हम इस मेहनत के जरिए से उस जिंदगी तक पहुंचना चाहते हैं जिस जिंदगी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा को छोड़ करके गए थे। इसलिए कि कयामत तक हक का मेयार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी है और अल्लाह की रजा आपकी और आपके सहाबा की जिंदगियों के साथ है। इसीलिए सहाबा के साथ है रदियल्लाहु अन्हु व रदुआन। सहाबा कौन है? फरमा सहाबा वो है कि जिनसे अल्लाह राजी हो गए और वो अल्लाह से राजी हो गए। तो इनकी जिंदगी अल्लाह की पसंदीदा जिंदगी है और जो इनके पीछे पीछे चलेगा अल्लाह उनसे भी राजी हो जाएगा। इसीलिए फरमाया والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنه ورضوا عنه। फरमाया साबिकीन अवलीन मुहाजिरीन और अंसार में के और जो इनके पीछे पीछे इखलास के साथ में चले, फरमाया अल्लाह उनसे भी राजी हो गया और पीछे चलने वालों से भी अल्लाह राजी हो गया। इसलिए मेरे दोस्तों हमारी मंजिल सहाबा है। अपनी मंजिल सहाबा को बना करके चलना है। ये नमाना नहीं है कि हम सहाबी बन जाएंगे, कोई सहाबी नहीं बन सकता, लेकिन हाँ जो बुनियादे सहाबा में थी वो बुनियादे कयामत तक उम्मत में जिंदा हो सकती है और जब वो बुनियादे उम्मत के एक मौतदी मजमे में जिंदा होगी अल्लाह उस मजमे से वो काम लेंगे जो काम अल्लाह ने सहाबा से लिया। अगर ये कमजोर होंगे तो अल्लाह अपनी कुव्वत इनके साथ मिलाकर इनको कवी बना देंगे और अगर ये थोड़े होंगे तो अल्लाह अपने लश्करों को इनके साथ मिलाकर के इनको ज्यादा कर देंगे और अल्लाह इनसे काम ले लेंगे और दुनिया की कोई भी ताकत अल्लाह के इरादे के बीच में हाइल नहीं हो सकती है। शर्त यह है कि बुनियादे जिंदा हो जाए जिन बुनियादों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को छोड़कर गए थे। तो आप उम्मत को किन बुनियादों पर छोड़कर गए? आप उम्मत को दो बुनियादों पर छोड़कर गए। एक तो हर फर्द उम्मत में पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ पाया जाता था, जो कुरान में था वो इनकी जिंदगी में था, इसलिए वो अल्लाह की चलती फिरती अल्लाह की किताब थे जमीन पर। कानू किताब अल्लाह यमशून अल अर्ज, जमीन पर अल्लाह की चलती फिरती किताब थे। जो करने के लाइन के अहकाम थे सारे इनकी जिंदगी में है, बचने के लाइन के जितने अहकाम थे उन सारी चीजों से जिंदगियां बची हुई है। जो सिफात अल्लाह को पसंद है उन सारे सिफात से उनकी जिंदगियां मुत्तसिफ है, तकवे से, तवक्कुल से, सब्र से, शुक्र से, एहसान से, इनाबत से, तवाज़ु से, तहम्मुल से, बर्दाश्त से, उन सारे सिफात से मुत्तसिफ है, हसद से, कीने से, निफाक से, शिफाक से, सारी चीजों से जिंदगियां पाक है। अल्लाह की चलती चीजों से जिंदगियां पाक है, अल्लाह की चलती फटती जमीन पर किताब थे। इसके लिए उनकी दावत है अस्लिमो तस्लमो का इस्लाम लाओ सलामती मिलेगी। का कौन सा इस्लाम? फरमाया हमारे जैसे हो जाओ। एक तो पूरा दीन अपनी हकीकत के साथ इनकी जिंदगी में था, इसलिए उनकी दावत है अपने जैसे बनने की। दूसरे उन्होंने अपनी मेहनत को उस सतह तक पहुंचा दिया जो सतह अल्लाह की पसंदीदा थी और वो सतह वो पसंदीदा है जिस सतह पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल मेहनत करके उम्मत को पहुंचाया है। इसीलिए आपके जमाने में मेहनत की जो सतह थी वो सतह ये थी कि हर ईमान वाला अपनी जान और माल को दावत पर इतनी लगाए जितना के दावत का तकाजा है। इसलिए आपके जमाने में तकाजे की तश्कील थी कि जान माल कितनी लगानी है, का जितना तकाजा है इतनी लगानी है। हम अपने घर कारोबार में कितने लगते लगाते हैं, जितना घर कारोबार का तकाजा है इतना घर कारोबार में लगते लगाते हैं, तो सारे तकाजे पूरे हो जाते हैं।
ऐसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मेहनत की जो शक्ल थी वो ये थी कि हर ईमान वाला अपनी जान और माल को ईमान के सीखने पर और ईमान के फैलाने पर इतनी लगाए जितना के लगाने का तकाजा है। ये पहली बुनियाद है लगाने की। दूसरी बुनियाद लगाने की है कि हर ईमान वाला अपनी जान और माल को अल्लाह की इबादत पर इतनी लगाए कि इबादत में हकीकत पैदा हो जाए और इबादत उम्मत में जिंदा हो जाए। इसलिए कि अल्लाह के खजानों से लेने का रास्ता अल्लाह की इबादत है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह तेरी ही इबादत करेंगे तुझे से मदद लेंगे। तो अल्लाह की मदद के लेने का रास्ता अल्लाह की इबादत है। तो इबादत पर जान माल इतनी लगाना कि इबादत में हकीकत पैदा हो जाए और उम्मत में इबादत जिंदा हो जाए, जितना कि इबादत का तकाजा है। नंबर तीन लगाने की जगह अखलाक है कि हर ईमान वाला अपनी जान माल अल्लाह के मखलूक को राहत पहुंचाने पर इतनी लगाए जितना के अखलाक का तकाजा है। ये तीसरी लगाने की जगह है कि अखलाक पर हमारी जान माल लगे। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में और सहाबा के जमाने में लगाने का मैयार वो नहीं था जो हमारे यहां पर है। वहां तकाजा जितना था इतना लगाया जाता था। एक मरतबा हजरत हसन और हुसैन और अब्दुल्ला इब्ने जाफर, ये तीनों हजरत सफर पर थे। उनकी ऊंटनी जिस पर तोशा था वो गुम हो गई। अब खाना उस पर था, देखा भूख लगी है तो उन्होंने देखा कि कुछ खाने की जगह है तो देखा एक झोपड़ा है। झोपड़े पर पहुंचे तो एक बड़ी भी थी, बड़ी उम्र की औरत। उससे कहा, अम्मा जान हम हाशमी लोग हैं, आप हमारी मेहमानी करेगी? कहा, बेटा ये सामने बकरी खड़ी है, ले आओ जबा करके मैं तुम्हारे लिए पका देती हूँ, खा लो। उस औरत के पास उसके सिवा कुछ भी नहीं है बकरी के सिवा, का जबा करके दो मैं तुम्हारे लिए पका देती हूँ। पकाया खाया चले गए। कहा शोहर आया, कहा क्या हुआ बकरी का? कहा वो मेहमान आए थे, इनको खिलाया और इन्होंने कहा हम हाशमी लोग हैं, कभी तुमको जरूरत पड़े तो मदीना में आ जाना। तो उस बड़ी बी पर फाका आ गया तो मदीना मुनव्वरा चली गई। मदीना मुनव्वरा में जब पहुंची तो वो कुछ बाजार में कुछ कर रही थी काम, इतने में हसनैन में से किसी ने इनको पहचान लिया। ये बड़ी भी तो वो है कि जिन्होंने हमारी मेहमानी किया था। कहा अम्मा जान मेरे साथ घर चलो। घर लेकर गए, अपने खादिम से कहा कि अम्मा जान को एक हजार दीनार दो, एक हजार बकरी दो, एक हजार दीनार दो और एक हजार बकरी दो, और फरमाया भाई के पास लेकर जाओ। भाई के पास लेकर गए। कहा भाई ने क्या दिया? कहा एक हजार दीनार दिया, एक हजार बकरी दिया। तो अपने खादिम से कहा कि अम्मी को एक हजार दीनार दो, एक हजार बकरी दो, और फरमाया अब्दुल्ला इब्ने जाफर के पास लेकर जाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रदी अल्लाह तआला अन्हुम के पास लेकर गए तो उन्होंने कहा कि कहां से आई? कहा दोनों भाइयों के पास से आई। कहा इन्होंने क्या दिया? कहा एक हजार दीनार दिया, एक एक हजार बकरी दिया। तो अपने खादिम से कहा कि अम्मा जान को दो हजार दीनार दो, दो हजार बकरी दो, और यूं फरमाया कि अगर ये दोनों भाइयों से पहले मेरे पास आ जाती तो इससे भी ज्यादा देता। ये खर्च करने का मैयार था। तो अपने अल्लाह की मखलूक पर अपनी जान माल इतनी लगाना जितना लगाने का तकाजा है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 23 साल पूरी उम्मत को अमली तौर पर जान माल लगाने की इन बुनियादों पर इनको खड़ा किया है कि दावत पर जान माल लगेगी, इबादत पर जान माल लगेगी, अखलाक पर जान माल लगेगी, अमली तौर पर भी इस पर चलाया और समझाने का मौका आया तो यही बात समझाई। इसीलिए आपसे पूछा गया अय्युल अमल अफ़ल, फरमाया अमल में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? फरमाया अस्सला, नमाज, और नमाज कहकर आपने पूरा दीन मुराद लिया। फरमाया सुम्मा, फरमाया बिरुल वालिदैन, माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करना, ये कहकर आपने अखलाकियात को बयान किया, आपके कलिमात जामे हुआ करते थे। फरमाया सुम्मा अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के कलमे को फैलाने के लिए अपने आप को मिटाना और खपाना, इबादत बयान किया, दावत बयान किया और अखलाक बयान किया। आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, जाते जाते फरमा रहे अस्सला अस्सला वमा मलकत अयमानुकुम, नमाज को जाया मत करियो, नमाज के बारे में अल्लाह से डरते रहियो, यानी अपने दीन की हिफाजत करियो।
अपने मातहतों के हुकूक को अदा करी हो या अखलाकियात को बयान किया, वह माँ बाप सबसे ऊपर बयान किया, वह माँ मलकत ऐमानकुम सबसे नीचे तबके को बयान किया। और आखिरी बात फरमाई, अनफिजू जैश उसामा, अनफिजू जैश शमा, उसामा की जमात को रवाना करो, उसामा की जमात को रवाना करो, ये कहते हुए आप अपने रब से मिले। इसलिए मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत को मेहनत की इन बुनियादों पर उठाया है। चौथी लगाने की जगह अपने और अपने घर वालों की जरूरतें हैं। इसलिए कि इस्लाम में मलंगपना नहीं है, मलंगपना ये गलत लोगों का शेवा है, और नफसानियत ये भी गलत लोगों का शेवा है कि कुछ नहीं करेंगे, किसी मस्जिद का कोना पकड़ लेंगे, घर वालों के लिए बोझ बनेंगे। इस्लाम में इसकी गुंजाइश नहीं है, और नफसानियत की इस्लाम में गुंजाइश नहीं है। नफसानियत कहते हैं मादा परस्ती को, कि आदमी की जिंदगी का मकसद पैसा बन जाए, कि पैसा आना चाहिए, हलाल से आए, हराम से आए, झूठ से आए, धोखे से आए, सूद से आए, पैसा आना चाहिए। ये नफसानियत है, ये गलत लोगों का मिजाज है। इस्लाम इन दोनों के बीच का सिरात मुस्तकीम है कि हर मुसलमान की घरेलू जिंदगी होगी, हर मुसलमान की कारोबारी जिंदगी होगी, लेकिन दीनदारी के साथ होगी और दीन की मेहनत के साथ होगी। ये दो जिम्मेदारी है हर मुसलमान की, दीन और दीन की मेहनत, दीन और दीन की मेहनत, दीन और दीन की मेहनत, और दोनों जिम्मेदारियां यकसा है। दीन भी जिम्मेदारी है और मेहनत भी जिम्मेदारी है। इसीलिए दीन में कमी आई तो तंबी आई, और दीन की मेहनत में कमी आई तो तंबी आई। बदर में ईमान में भी कमाल है और इत्तिबा में भी कमाल है तो मदद आ गई, और हद के अंदर में इत्तिबा में कमी आई तो आप देखो तंबी आई। और हद में इत्तिबा में कमी आई थोड़ी सी इश्तिहादी गलती की वजह से, और अल्लाह ने माफ कर दिया ताकि कयामत तक कोई सहाबा के ऊपर उंगली ना उठाए। इसलिए कि जो काम नबी से मुनासिब थे अल्लाह ने नबी से करवाए, और जो नबी की असमत के मुखालिफ थे अल्लाह ने सहाबा से करवा करके दीन की तकमील कर दिया, ताकि अमली तौर पर पूरी उम्मत के सामने पूरा पूरा दीन अमली तौर पर आ जाए। इसलिए सहाबा से अल्लाह ने वो काम करवाया। इसलिए मेरे दोस्तों, लेकिन तंबी आई, कितनी बड़ी तंबी आई कि 70 सहाबा शहीद हुए, आपके दंडाने मुबारक शहीद हुए, आपके सर में खौफ की कड़ी घुस गई, और ये सारी परेशानी इसलिए आई कि थोड़ी सी इत्तिबा में कमी आई, और वो भी इश्तिहादी गलती की वजह से आई कि देखा कि काम पूरा हो गया है, वो समझे कि हुक्म भी पूरा हो गया। हालांकि हुक्म पूरा उस वक्त में होता जब दूसरा हुक्म आता, हुक्म ये था यहां ठहरने का, लेकिन जब देखा कि काम पूरा हो गया तो समझे हुक्म पूरा हो गया, नीचे उतर गए। हालांकि हुक्म उस वक्त पूरा होता जब उतरने का हुक्म आता, इश्तिहादी गलती, और अल्लाह ने माफ भी कर दिया ताकि कोई उनके ऊपर उंगली ना उठाए। लेकिन ये तंबी आई दीन में कमी की वजह से, हुनैन में यकीन में कमी आई कि कसरत पर एतमाद आया कि इतने सारे अभी मैदान जीत लेंगे, तो अल्लाह ने फरमाया वयौम हुनैन इल्लाजबतकुम कसरतकुम फलम तुग्न अनकुम शैया वदाकत अलैकुम अल-अर्ध बिमा रहबत सुम्मा वल्लैतुम मुदबिरीन। फरमाया हुनैन के दिन को याद करो जब तुम्हारी कसरत ने तुम्हें ओजबे में डाल दिया, हम इतने सारे अभी कर लेंगे, तो तुम्हारी कसरत तुम्हारे कुछ काम नहीं आई, और बावजूद जमीन कुशादा होने के लिए तुम्हारे लिए तंग हो गई, और तुम्हारे पैर उखड़ गए, और तुमने पीठ फेर दिया, और ये उसके बाद अल्लाह ने इस शकिश को फिर फतह से बदला, और अल्लाह ताला ने इस बात को बतलाया कि जब दीन में कमी आएगी तो अल्लाह की तरफ से तंबी आएगी। इसलिए कि दीन जिम्मेदारी है। ऐसा ही दावत में कमी आएगी तो भी तंबी आएगी, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में आई। अंसारे मदीना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आकर के यो कहा, अल्लाह के रसूल दीन के बड़े मददगार हो गए, काम का शुरू जमाना था, तकाजे बहुत थे, आदमी थोड़े थे, तो हमको अपने बागात की देखभाल का मौका नहीं मिला, तो बागात में बहरानी आई हुई है। अल्लाह के नबी थोड़ा सा मौका दे दे, बागा की देखभाल करके आकर फिर काम में लग जाते हैं। अभी आपने कोई जवाब नहीं दिया, और अल्लाह की तरफ से कुरान में आयत उतर रही है, अनफिकु फी सबीलिल्लाह वला तुल्कु बिअयदीकुम इल तहलुका वाहसिनू इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह जल्ला शानो फरमाते हैं कि खर्च करते रहो, लगते रहो, लगाते रहो, और अपने हाथों अपने आप को हलाकत में न डालो।
तुम्हारा दीन की मेहनत को छोड़कर अपनी दुनिया के सवारने में लगना, जिसमें तुम अपने लिए नजात समझ रहे हो, तुम्हारा खालिक पैदा करने वाला तुम्हारे लिए उसमें अपने तुम्हारे लिए हलाकत देख रहा है। इसलिए कि वो रास्ता जहां तुम जाना चाहते हो वो गैर यकीनी रास्ता है और लंबा रास्ता है, जिंदगियों के बनने का गैर यकीनी रास्ता है कि उस रास्ते से जिंदगी बनेगी, ये यकीनी रास्ता नहीं है और लंबा रास्ता है, सदियां बीत जाएगी, नस्लें गुजर जाएगी और मसाइल हल होकर के नहीं देंगे। और जिस रास्ते पर तुम हो वो जिंदगियों के बनने का यकीनी रास्ता है और शॉर्टकट रास्ता है। इस रास्ते से यकीनी तौर पर जिंदगियां बनेगी और सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारी नस्लों की बनेगी और एक दो नस्ल तक नहीं, सदियों तक के लिए बनेगी और थोड़े से अरसे में बन जाएगी। आप अंदाजा लगाओ, सिर्फ सहाबा की मेहनत का जमाना 25 साल का जमाना लगने मिटने का जमाना है, 23 साल नबूवत का जमाना है मिटने का, कपने का, लगने लगाने का, और सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का 2 साल से कुछ ज्यादा जमाना ये लगने मिटने कपने खपाने का है, 25 साल का जमाना लगने का है। लेकिन उसके बाद तो अल्लाह ने इतना दिया कि सदियों तक वो खाते और खिलाते रहे, वो और उनकी नस्लें खाती खिलाती रही और खत्म होकर के नहीं दिया, सदियों तक इनके औलाद में आपको बहार मिलेगी। अल्लाह ने 25 साल के अरसे में इसी जिंदगी बनाई। सहाबा 1000 साल तक दुनिया के रास्ते से दुनिया पर मेहनत करते तो इतना नहीं मिल सकता था जो अल्लाह ने इनको सिर्फ 25 साल के अरसे में दिया है, और सिर्फ इनको नहीं बल्कि सदियों तक के लिए इनकी नस्लों को दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों ये दोनों जिम्मेदारी है। इसलिए फरमाया कि हर आदमी की घरेलू जिंदगी हो, कारोबारी जिंदगी हो, लेकिन दीनदारी के साथ हो और दीन की मेहनत के साथ हो। जिंदगी की क्या तरतीब हो? जिंदगी की तरतीब ये हो कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाए या दीन की मेहनत का तकाजा आ जाए तो उसके मुकाबले में ख्वाहिश को तोड़ देंगे, छोड़ देंगे, कुर्बान कर देंगे और अपनी दुनियावी तकाजों को सिर्फ आगे पीछे करेंगे। छोड़ना किसी चीज को नहीं है और न छोड़ने का हुक्म है, और हम छोड़ भी क्या सकते हैं? कि भाई क्या छोड़ सकते हैं? खाना छोड़ सकते हैं अगर 24 घंटा ना खाए तो, और 24 घंटा ना सोए तो दिन में तारे नजर आ जाएंगे। इसलिए छोड़ना हमारे बस में है नहीं, ना हुक्म है। इसलिए छोड़ना किसी चीज को नहीं है, सिर्फ दुनियावी तकाजों को आगे पीछे करना है। इसका नाम ही अल्लाह कुर्बानी देते हैं कि आप सुबह में सो रहे हैं और अजान की आवाज हो गई, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो आप अपने बिस्तर को छोड़कर मस्जिद में जाओ। इसका नाम कुर्बानी है कि अपनी राहत को छोड़ा हुक्म पूरा करने के लिए। गश का वक्त आ गया, अपनी दुनिया का कोई काम है, क्या इसको बाद में करेंगे, अभी गश करेंगे, इसका नाम कुर्बानी है। दुनिया का काम पहले कर लेंगे या बाद में कर लेंगे, अमल को अपने वक्त पर कर लेंगे, इसका नाम कुर्बानी है। सिर्फ आगे पीछे करने को अल्लाह कुर्बानी का नाम देते हैं। जिंदगी की जब यह तरतीब बनेगी तो अल्लाह ताला कुर्बानी की बरकत से रोजाना हिदायत पे तरक्की देंगे। इसलिए कि जिस चीज को जिसके लिए कुर्बान करेंगे उसी की मोहब्बत बढ़ेगी, उसी की अजमत बढ़ेगी, उसी का यकीन बढ़ेगा। अगर दुनिया को कुर्बान किया है दीन के लिए और दावत के लिए तो दीन की मोहब्बत बढ़ेगी, दीन की अजमत बढ़ेगी, दीन से जिंदगियों के बनने का यकीन आएगा। दावत के तकाजों के लिए दुनिया को कुर्बान किया है, दावत से जिंदगियों के बनने का यकीन पैदा होगा और उसकी मोहब्बत और अजमत पैदा होगी। जिस चीज को जिसके लिए कुर्बान करेंगे उसकी मोहब्बत, अजमत और यकीन आएगा। इसलिए मेरे दोस्तों मलंगपना भी नहीं है और नफसानियत भी नहीं है। इसलिए फरमाया चौथी लगाने की जगह है अपनी और अपने घर वालों की जरूरतें ही, और हर इंसान की 5 जरूरतें, खाना है, कपड़ा है, मकान है, सवारी है और शादी है। इन जरूरतों को खुद के लिए भी हासिल करना है और उसमें लगना भी है, अपने मुतालिकीन की जरूरतों को हासिल करने में भी लगना है और उसके पूरा करने भी लगना है, लेकिन बकदरे जरूरत लगना है, इसराफ से बच करके लगना है। ये मेहनत का सही रुख है, बकदरे जरूरत लगना है और इसराफ से लगना है, इसराफ से बच करके लगना है। इसलिए कि जरूरत की हद है और इसराफ की कोई हद नहीं है। इसराफ की मिसाल अल्लाह वाले फरमाते हैं आग की, आग में कितना भी लकड़ी डालो
सबको जला देगी, उसका पेट भरेगा ही नहीं। उम्मत का अलमिया ये नहीं है कि उम्मत के पास जान माल नहीं है, उम्मत के पास जान माल बहुत है, लेकिन मुश्किल ये है कि जिंदगी में इसराफ दाखिल हो गया, इसराफ दाखिल हो गया, खानों में, कपड़ों में, मकानात में, शादियों में। हम सोच नहीं सकते इतना खर्च करते हैं शादियों में, मैं बताना मुनासिब नहीं समझता। एक साथी ने बताया कि शादी में इतना खर्च किया, आप कभी सोच नहीं सकते हम कि कभी इतना खर्च शादी में होता है, इसलिए कि हमारी मुआशरत की बुनियाद तो शादी है। सहाबा ने शादियां किया है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां किया है, आपने अपनी बेटियों की शादियां कराई है, किस शादी के साथ कराई हो हमारे सामने, वही हमारे लिए नमूना है। आज के नाचने कूदने वालों की जिंदगियां हमारे लिए नमूना नहीं है कि उनकी जिंदगियों को देखकर हम अपने शादियों में खर्च करें। इसलिए बकदर जरूरत इन जरूरतों के हासिल करने में भी लगना और उसके पूरा करने में भी लगना और इसराफ से बचते हुए लगना, लगने का भी सवाब है और पूरा करने में भी सवाब है। सिर्फ जरूरत पूरी नहीं होगी बल्कि सवाब भी मिलेगा। इसीलिए हदीस पाक में आता है कि कयामत के दिन आदमी के अमल नामे में सबसे ज्यादा वजनी सदका वो होगा जो हलाल तरीके से अपने बीवी बच्चों को खिलाया है। हाँ, वो दुनिया नहीं है, दीन है, कमाना भी दीन है, खर्च करना भी दीन है। शर्त यह है कि बकदरे जरूरत हो, इसराफ से बच करके हो। मेहनत का ये रुख हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम फरमाया 23 साल में, और इस 23 साल में कायम करने का नतीजा ये हुआ कि सदियों में जो नुकसान हुआ था उसकी तलाफी सालों में हो गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में 650 साल का जमाना है जिसमें कोई नबी नहीं आई, इसलिए इंसानों में जहालत आखिरी दर्जे की और इंसानों में गुमराही आखिरी दर्जे की, और ये जहालत और गुमराही सिर्फ 23 साल में खत्म हो गई। कितने साल में खत्म हो गई? 23 साल में खत्म हो गई, और ये दोनों बुनियादें जिंदा हो गई, इल्म भी जिंदा हो गया और हिदायत भी जिंदा हो गई। इसलिए अल्लाह ने पूरी इंसानियत के पनपने के लिए दो बुनियादें उतारी है, एक ईमान उतारा है और एक इल्म उतारा है, और ये दोनों बुनियादें उम्मत में जिंदा हो गई कि मजमा बन गया इल्म और हिदायत के एतबार से, और माहौल भी बन गया, इसलिए उनकी जिंदगियां नमूना बन गई पूरे आलम के लिए कयामत तक के लिए, और ऐसा पाकीजा माहौल बन गया कि सारी इंसानियत के लिए इस्लाम की तरफ आने की राह हमवार हो गई। इसलिए मेरे दोस्तों, दावत की इस मेहनत के जरिए से एक मजमा ऐसा बनाना मकसूद है कि जिसकी जिंदगियों में मेहनत की ये बुनियादें जिंदा हो जाए, कि जिन बुनियादों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत में जिंदा किया है। अब वो मजमा कितना होगा हम नहीं जानते, अल्लाह जानते हैं। हो सकता है 313 से हो जाए, बदर में 313 से हो गया, छोटे से मजमे से काम हो गया, 125,000 सहाबा से काम हो गया, असाबे काब की 10 से छोटी जमात से काम हो गया, एक नौजवान से काम हो गया। सीरत की किताबों में मिलेगा कि एक नौजवान के हाथों पूरे मुल्क की हिदायत का काम अल्लाह ने लिया। मैं तफसीली वाकयात में नहीं जाता, असाबे काब ये बता रहा है कि 10 के करीब जमात थी, उससे पूरे मुल्क की हिदायत का काम अल्लाह ने लिया। बदर में 313 से अल्लाह ने काम ले लिया, और सहाबा की 125,000 जमात से अल्लाह ने इतना बड़ा काम लिया कि पूरी दुनिया के सोए और नसीब को अल्लाह ने जगा दिया और इंसानियत का रुख सही कर दिया और पूरी दुनिया के गलत दायरे को सही दायरे से बदल दिया एक छोटी सी जमात और कमजोर जमात के हाथों। मेरे दोस्तों, ये तो बहुत बड़ा मजमा है, लाखों का मजमा, और एक मुल्क का नहीं है, आलम का मजमा है। अगर ये मजमा जो आया हुआ है, ये मजमा तय करे कि हमें मेहनत के उस रुख पर आना है जिस रुख पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को उठाया है, तो ये मजमा अपनी जिंदगियों को बनाने के लिए और अपनी जिंदगी के बनने के साथ आलम के बनाने के लिए इतना बड़ा मजमा अल्लाह ने चाहा तो काफी हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, ये मजमा तय करे कि हमें मेहनत के इस रुख पर आना है। क्यों भाई आना है? भाई किसको किसको आना है? माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल, पूरा दुनिया से आया हुआ पूरा मजमा ये तय करे कि हमें इस मेहनत को ऐसी अच्छी तरीके से करना है और ऐसी पूरी तरीके से करना है कि आहिस्ता आहिस्ता हम मेहनत के उस रुख पर पहुंचे जिस रुख पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे। अब वो रुख जिस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़कर गए थे, मेरे दोस्तों, वही रुख कयामत तक के लिए
یہ امت کے سنبھلنے کا ہے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس زمانے میں بھی انسانیت کی ہدایت کا ارادہ فرمایا اور حق کو دنیا میں چلانے کا ارادہ فرمایا اور غلط زندگیوں کو اللہ نے ختم کرنے کا ارادہ فرمایا, تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نبیوں کے راستے سے دعوت کی مبارک محنت کو وجود بخشا. حالانکہ ہر زمانے کے حالات دوسرے زمانے سے مختلف ہیں, کسی زمانے میں ملک والوں کا چلن تھا, کسی زمانے میں مال والوں کا, کسی زمانے میں صنعت اور حرفت والوں کا, اور کسی زمانے میں تجارت والوں کا, کسی زمانے میں باغات والوں کا, کسی زمانے میں اکثریت والوں کا. غرض یہ کہ ایک طاقت کا چلن ہر زمانے میں الگ تھا, لیکن ہر زمانے میں حق کو دنیا میں چلانے کے لیے اور غلط زندگیوں کو زیر کرنے کے لیے اللہ نے نبیوں کے راستے سے دعوت کی مبارک محنت کو وجود بخشا. لیکن دعوت کا کام بھاری ہے, اس لیے کہ یہ بے طلبوں میں کیا جاتا ہے, چاہے بے طلبی کفر کی وجہ سے ہو اور چاہے ضعف ایمان کی وجہ سے ہو, چاہے بے طلبی کفر کی وجہ سے ہو چاہے ضعف ایمان کی وجہ سے ہو, دعوت کا کام بھاری ہے اس لیے کہ بے طلبوں میں کیا جاتا ہے. اس لیے ہر زمانے میں نبی کی بعثت ایسے زمانے میں ہوتی ہے جب لوگوں میں دین کی طلب ختم ہو چکی ہوتی ہے, اللہ کو نہیں جانتے, نبی کو نہیں جانتے, آخرت کو نہیں جانتے, ایسے زمانے میں نبی کی بعثت ہوتی ہے. اس لیے دعوت کا کام بھاری ہے, اس لیے اللہ ہر نبی کو دعوت کی محنت کے ساتھ دعا کی طاقت دیتے ہیں, اور نبی کو یہ بات پہلے دن سے یہ سمجھاتے ہیں کہ ذرا بھی گھبرانے کی بات نہیں ہے, تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تمہارے ساتھ میں ہوں اور اپنی تمام تر قدرت اور خزانوں کے ساتھ ہوں. اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جب بھیجا فرعون کی طرف, تو ان دونوں بزرگوں نے یوں کہا کہ ہمیں تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ فرعون ہمیں قتل کرے گا اور ہمارے ساتھ سرکشی کرے گا, ہمارے سے غلطی ہو گئی, آدمی مر گیا ہے اس کا, تو اس کے بدلے میں ہم کو قتل کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, لا تخافا اننی معکما اسمع وارى, فرمایا گھبرانا نہیں, ڈرنا نہیں, میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں, تمہارا ہر قدم میری حفاظت میں اٹھے گا, اس لیے کہ میری تمام تر طاقت اور میرے تمام تر خزانے دعوت کے ساتھ ہے اور دائی کے ساتھ ہے. شرط یہ ہے کہ دعوت صحیح ہو اور دائز کی زندگی صحیح ہو, تو اللہ اپنی قدرت اور خزانوں کے ساتھ دعوت کے ساتھ اور دائی کے ساتھ ہوتے ہیں. اس لیے دنیا کی کوئی طاقت نہ دعوت کا نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ دائی کا نقصان پہنچا سکتی ہے, شرط یہ ہے کہ دعوت دعوت ہو اور دائی دائی ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ اپنی ماہیت کا وعدہ کر کے نبی کو بھیجتے ہیں اور ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہاری حفاظت میں چلو گے اور جب مجھے پکارو گے میں تمہاری پکار کو سنوں گا بھی اور تمہاری مدد بھی کروں گا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہر نبی کو دعا کی طاقت دیتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں نبیوں کی دعوت کو بیان کیا ہے اور نبیوں کی دعا کی طاقت کو بیان کیا ہے کہ نبیوں نے دعوت کا کام کیسے کیا اور کام کرنے میں کیا حالات آئے اور ان حالات کو جھیلنے کے نتیجے میں اللہ کی تائید اور مدد ان کی دعا پر کیسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پوری قوم نوح کو نوح علیہ السلام کی دعوت پر ختم کر دیا, صرف ایمان والوں کو باقی چھوڑا. اس لیے میرے دوستوں, نبیوں کے راستے سے اللہ دعوت کی مبارک محنت کو وجود بخشتے ہیں, حق کو دنیا میں چلانے کے لیے, باطل کو زیر کرنے کے لیے, حق اور حق والوں کی تائید کرنے کے لیے اور باطل والوں کی سرکوبی کے لیے. لیکن شرط یہ ہے کہ دعوت کا کام نبیوں کے نہج پر ہو, نبیوں کے مزاج پر ہو, اس لیے کہ ہر کام کا ایک مزاج ہوتا ہے اور اس مزاج کے ساتھ کرنے ہی سے اس کا نفع ہے. بھئی تاجر ہے تو تجارت کا ایک مزاج ہے, ایک پولیس والا ہے پولیس کا ایک مزاج ہے, ایک ملازم ہے ملازمت کا ایک مزاج ہے. کیوں بھائی, اگر ایک تاجر پولیس والے کے مزاج کے ساتھ دکانداری کرے گا تو کبھی دکان چلے گی؟ دکان پر بیٹھا ہے, کوئی گاہک آیا اس کا کیوں آیا, کیوں بھائی دکان چلے گی ایک دن اس کی؟
और अगर पुलिस वाला ताजिर के मिजाज से चले नरमी के साथ तो उसका काम चलेगा, उसका काम भी नहीं चलेगा। ताजिर का एक मिजाज है, पुलिस वाले का एक मिजाज है, मुलाजिम का एक मिजाज है। मुलाजिमत के अंदर में वक्त की पाबंदी होती है, काम नहीं देखा जाता। 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा पूरा हो गया, 10 आदमी लाइन में खड़े हैं, वो अपना दफ्तर बंद करके जाएगा, बोले कल आओ। ये मुलाजिम की जिंदगी होती है। और एक ताजिर का मिजाज होता है कि ताजिर के मिजाज में काम होता है कि भाई काम असल है, वक्त के जो है कितना भी लगे। इसलिए एक आदमी 10 घंटे दुकान चालू रखता है, लेकिन वक्त आ गया और 10 आदमी दुकान पर खड़े हैं, क्यों भाई कहेगा कल आओ, क्यों भाई ताजिर क्या करेगा, सबको सौदा देकर दुकान बंद करेगा, भले 2 घंटा ज्यादा लगे। और ईद की रात में पूरी रात दुकान खुली रखना पड़ेगा तो पूरी रात खुली रखेगा। इसलिए क्या ताजिर के मिजाज में काम की रियायत है। ऐसा ही मेरे दोस्तों, नबियों का एक काम है और नबियों के काम की एक बुनियादें हैं। सबसे पहले नबियों का काम यह है कि बेतलबों में जाना, यह काम है नबियों का। काम पहला है क्या कि बेतलबों में जाना और बेगरज बनकर जाना। इसलिए हमारे काम की बुनियाद यह है कि बेतलबों में जाना और बेगरज बनकर के जाना। कहां जाना? अपने महल्ले में, पड़ोस के महल्ले में, पड़ोस की बस्तियों में, अपने अतराफ के जिलों में, अपने सूबे में, अपने मुल्क में और आलम में, जहां जहां बेतलबी है वहां आपके घर से लेकर आलम में हम जाएंगे। जाने के लिए अपनी जान लगाना, अपना माल लगाना, किसी से कुछ लेना नहीं। अगर कोई इस्तकबाल करे तो उससे कुछ मांगना नहीं। और अगर कोई बुरा भला करे और अगर मारे पीटे तो जहालत का जवाब जहालत के साथ नहीं देना, बल्कि सब्र करना, बर्दाश्त करना, तहमुल करना और काम के मिजाज के साथ काम में चलना। इसलिए नबूवत के मिजाज में सबसे बड़ी बात यह होती है कि जो कहते हैं अमली जिंदगी उनकी ऐसी होती है। पहली बात क्या है, फलसफी में और नबूवत में यही फर्क है। फलसफे में बातें ही बातें होती है और नबूवत में काम ही काम होता है कि जो कहेंगे वो जिंदगी में अमली तौर पर होगा, और फलसफी की यह बातें होगी काम नहीं होगा। इसलिए जैसी जिंदगी जैसी बातें, उस जिसकी बात की दावत उसी जिंदगी की, अपनी अमली जिंदगी बनाते हुए दावत का काम करना। उसी के साथ नरमी के साथ नरमी मिजाज है नबूवत के मिजाज में। हजरत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि तुम फिरौन के पास जा रहे हो, उससे नरम बात करना। हालांकि फिरौन नबूवत, जिसने उलूहियत का दावा किया, रुबूबियत का, अल्लाह फरमाया जा रहे हैं नरम बात करना, शायद नसीहत हासिल करे और अल्लाह से डरे। हालांकि अल्लाह के इल्म में कि नहीं मानने वाला है, फिर भी अल्लाह हुक्म दे रहे कि नरमी से बात करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने हुक्म दिया, अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك। फरमाया अल्लाह की रहमत से हमारे नबी जी आप नरम हो गए, अगर आप में सख्ती होती तो आपका ये मजमा आपके पास से छट जाता। हालांकि आप सहाबा के दरमियान में अपनी औलाद से ज्यादा महबूब थे, लेकिन अल्लाह यह फरमाते हैं कि अगर आपके मिजाज में और आपकी बात में सख्ती होती तो यह मजमा आपके पास से मुंतशिर हो जाता। लेकिन अल्लाह की रहमत का ये असर है कि यह मजमा आपसे मिला हुआ है, जुड़ा हुआ है और हर वक्त में आपकी अपनी जान को हथेली में लेकर आपके पीछे फिर रहा है कि अल्लाह के नबी जहां चाहे आप लगवा दीजिए। नरमी की वजह से यह मजमा आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए अल्लाह ने अपनी रहमत से आपको नरम बनाया। इसलिए आप क्या करें, फरमाए आप अगर इनसे गलती हो जाए आपके साथ तो इनको माफ करें, फाफू आनुम, आपसे गलती करेंगे। इसलिए कि सीखने की पीरियड में ही, ये तरबियत के मरहले में ही, इसलिए आपसे भी गलती के होगी और आपके काम के साथ में भी गलती होगी। तो अगर आपके साथ गलती करें तो आप इनको दरगुजर करें, इनको माफ करें, और अगर काम में गलती करें तो आप इनके लिए इस्तिगफार करें। अगर काम में भी गलती करे तो आप अल्लाह से इनके लिए इस्तिगफार करें कि अल्लाह इनको माफ कर दे, और आप इनको अपने से अलग ना करें बल्कि हालात अपने साथ इनको चिपटाए रखें। आप इनसे मशवरा करें, आप इनसे राय लें,
आप इनकी सलाहियतों को काम पर लगाएं और सलाहियतों को देखकर अमानतदारी के साथ लगाएं। इसलिए कि हर नबी की सिफत है इन्नी लकुम नासिहुन अमीन, कि मैं तुम्हारा खैरखा भी हूं और अमानतदार भी हूं। इसलिए खैरखाही के साथ हर आदमी के साथ मामला करना और हर आदमी के साथ अमानतदारी के साथ मामला करना। तो अमानतदारी किसको कहते हैं? अमानतदारी मेरे दोस्तों ये है, ये एक मशवरा है। मशवरे में 10 आदमी है, 5 तकाजे हैं। अब 10 आदमियों में से उन तकाजों के अहल को, सलाहियत को सामने रखकर चुनना, ये अमानतदारी है। इस बुनियाद पर नहीं कि मेरी पार्टी का है, मेरा हम ख्याल है। इसलिए नहीं कि मेरी बिरादरी का है, इसलिए नहीं कि मेरी कौम का है। हमारी कोई बुनियाद नहीं है, न कौम है, न इलाका है, न जबान है और न रंग रूप है। हमारा तो एक काम है और उस काम की मसलहत सारे मसलहतों पर मुकदम है। काम के मफादात है, सारे मफादात पर मुकदम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी उम्मत को यह बात समझाई है कि काम का मफाद सारे मफादात पर मुकदम है। इसरे बदर में जब गैरों ने मुबारजत के लिए दावत दिया है तो जो 3 सहाबा को आपने भेजा है वो तीनों आपके सबसे ज्यादा करीब है जिनको आपने मुबारजत के लिए भेजा है, कि काम का मफाद सारे मुबारजत पर मुकदम है। गज़वे खंदक में उमर इब्ने वुद ने जब मुबारजत की दावत दी है और हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु जब खड़े हुए हैं तो आपने फरमाया वुद है, तो फरमाया वलो वुद, फरमाया वुद तो मैं जाऊंगा। तो आपने हजरत अली इब्ने अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु को इतने बड़े काम के लिए भेजा कर ये बात को बतलाया है कि काम के मफादात सारे मफादात पर मुकदम है। आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर को, अब्दुल्ला इब्ने रवाहा को और हजरत जैद को, जैद इब्ने हारिसा को, ये तीनों करीबों को इतने बड़े काम के लिए भेजा है और बाहर जीकर इस बात को बतलाया है कि काम के मफादात सारे मफादात पर मुकदम है। इसलिए मेरे दोस्तों अहल को तलाश करके काम पर काम के लिए इस्तेमाल करना, इसलिए कि जब काम नाहलों के हवाले हो जाएगा तो काम जाया हो जाएगा। इसलिए हमारे काम में तासुब भी नहीं है और तहजुब भी नहीं है। हमारे यहां असबियत नहीं है और हमारे यहां पार्टी बंदी नहीं है। मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मर्तबा मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से यह फरमाया कि मौलाना आपका काम तो बहुत बड़ा काम है लेकिन मुझे आपके काम पर 2 खतरे हैं। अल्लाह इस काम को इन दोनों खतरों से महफूज रखे। फरमाया एक खतरा तासुब और तहजुब का है कि कहीं असबियत न पैदा हो जाए इनमें। मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं, मुख्तलिफ जबानों के लोग आते हैं, मुख्तलिफ रंगो रूप के लोग आते हैं, कभी इनकी असबियत की रंग जाग न जाए और कभी इनके अंदर में तहजुब और पार्टीबंदी न पैदा हो जाए कि हमारे ख्याल है और हमारी फिक्र का आदमी है। हमारा कोई ख्याल नहीं, हमारी कोई फिक्र नहीं, हमारा काम है और काम का मफाद सारे मफादात पर मुकम्मल है। हम अल्लाह पर जमा हो सकते हैं और उम्मत को अल्लाह पर जमा कर सकते हैं, उसके अलावा जमा होने की कोई बुनियाद नहीं। याद रखे, जब अल्लाह के अलावा कोई बुनियाद काम में आएगी तो काम जाय हो जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों तासुब से बचना और तहजुब से बचना और गुलू से बचना और गुरूर से बचना। गुलू की इजाजत नहीं है। गुलू कहते हैं काम का जो मकाम है उसको उसके मकाम पर रखना। दीन के जिस काम का जो मकाम शरीयत ने तय किया है और शारे अली सलाम ने तय किया है उस काम को उसके उस जगह पर रखना, ये काम है, उसको उसके काम से आगे बढ़ाना या घटाना ये गुलू है। और गुलू की इजाजत किसी के लिए नहीं है और गुरूर की भी इजाजत नहीं है कि ज्यादा हो गए काम करने वाले तो अब हमारे अंदर गुरूर आ जावे कि हम किसी को घासी न डाले। फरमाया गुरूर की भी इजाजत नहीं है, गुलू की भी इजाजत नहीं है। ये 2 बुनियादें फरमाया काम में आएगी तो काम जाय हो जाएगा। अल्लाह हमारी और काम की और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाए। इसलिए मेरे दोस्तों हर नबी के काम का मिजाज है खैर खाही, खैर खाही को सामने रखना कि मेरे साथी की खैर खाही किस में है, इसको सामने रखना। अमानतदारी को सामने रखना। हर नबी उम्मत की जान माल को काम के मफाद पर इस्तेमाल कराते हैं कि जिससे उनके आखिरत बने और इंसानियत के आखिरत बने, कभी अपने मफाद पर किसी की जान माल नहीं लगाते।
कोई नबी का किसी से मुतालबा नहीं है, न इक्तदार का मुतालबा है और न माल का मुतालबा है। इसमें खैर खाही ये नबूवत का मिजाज है, अमानतदारी खैर खाही का मिजाज है, नरमी ये नबूवत का मिजाज है, दरगुजर करना ये नबूवत का मिजाज है, इस्तिग़फ़ार करना ये नबूवत का मिजाज है, मशवरा करना सही तरीके से करना, अमानतदारी के साथ करना, तअस्सुब और तहज़्ज़ुब से बचते हुए करना ये नबूवत का मिजाज है, और हर एक को अपने साथ चिमटाए रखना ये नबूवत का मिजाज है। जब इस मिजाज के साथ सही मेहनत अपनी मंजिल तय कर लेती है तो अल्लाह की ताईद साथ हो जाती है। इसलिए कि अल्लाह की यहां मेहनत की एक मकदार मतलूब है, मेहनत का तरीका भी मतलूब है और मेहनत की मकदार भी मतलूब है। मेहनत सही भी होनी चाहिए और पूरी होनी चाहिए। मेहनत सही हो गई, पूरी हो गई तो काम हो गया। नतीजा भले कुछ भी निकले, थोड़ा निकले या ज्यादा निकले, नतीजे का कोई मसला नहीं, नतीजा हमारे जिम्मे नहीं है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 1000 साल दावत के नतीजे में या 950 साल दावत और मेहनत के नतीजे में 80-82 लोग बने, लेकिन उनकी मेहनत कामयाब है। इसलिए कि अल्लाह की यहां नतीजे की पूछ नहीं होगी, अल्लाह की यहां काम की पूछ होगी। कोई नबी कयामत के दिन आएंगे, उनके साथ 1-2 आदमी होंगे, लेकिन अल्लाह उनका वो इकराम करेंगे जो इकराम उस नबी का करेंगे कि जिस नबी की मेहनत पे लाखों करोड़ों लोग ईमान में दाखिल हुए। इसलिए कि अल्लाह की यहां तरफ से हमारे जिम्मे जो है वो मेहनत का सही रुख है, बस कि मेहनत का सही रुख इख्तियार किया जाए और मेहनत को पूरा करने के लिए अपने बस की ताकत लगाई जाए। बस की ताकत लगाने का मुकल्लफ है अल्लाह ताला, किसी को उसकी ताकत से ज्यादा का मुकल्लफ नहीं बनाते। जो पैदल चल सकता है पैदल चले, जो 100 लगा सकता है 100 लगाए, जो 1000 लगा सकता है 1000 लगाए, जो लाख लगा सकता है लाख लगा सके लगाए, जो पूरा लगा सकता है पूरा लगाए। सिद्दीक अकबर तक की राह खुली हुई है, जो जितना कर सकता है करे, लेकिन अपने बस का जब कर देंगे तो अल्लाह की या उसकी कदर है। ग़ज़वे तबूक में 600 मन खजूरें दी गई और एक अकील रदी अल्लाह तआला पूरी रात एक गैर मुस्लिम के बाग को पानी दे करके चंद खजूरें लेकर आए, थोड़ी घर में दिया थोड़ी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पास लेकर आए। मुनाफिकी ने देखकर कहना शुरू किया कि खुद ही खा लेता, अल्लाह को इसकी क्या जरूरत थी, और किसी ने ज्यादा किया तो कहा दिखावे के लिए करता है। मुनाफिकीन का यही सेवा होता है, और जो काम करे वो मुनाफिकी होता है ऐसा, वरना कभी मुखलिस ऐसा काम नहीं कर सकता। तंदो तशरी तेरी मेरी कर ही नहीं सकता है, हमारे यहाँ तो थोड़ी की भी कदर है ज्यादा की भी कदर है, जो कुर्बानी ज्यादा दे वो भी काबिल कदर है और जो कम दे वो भी काबिल कदर है। इसीलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो चंद खजूरें लेकर के आपने फरमाया इस पूरे ढेर पर डाल दो, अल्लाह इसकी बरकत से सबको कबूल कर लेंगे। इसलिए अपने बस की है वो लगा देना। इसलिए मेरे दोस्तों जब मेहनत पूरी हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला हक की मदद का और हक वालों की मदद का और बातिल का और बातिल वालों की सरगोबी का इरादा फरमाते हैं, और अल्लाह जब इरादा फरमाते हैं तो अपनी मखलूक में से किसी एक मखलूक को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए कि सारी मखलूक अल्लाह के लश्कर है, वमा यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, कि सारे अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि अल्लाह किसी की ताईद करेंगे तो कैसे करेंगे, और अल्लाह किसी की पकड़ करेंगे तो किसकी पकड़ करेंगे, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। इसीलिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की और उनकी तमाम ताकतों के मालिकों की और पूरी दुनिया की सारी मादियत की अल्लाह ताला ने पोल ये कहकर खोला है कि पूरी दुनिया की सारी जितनी मादियत है अल्लाह की निगाह में यूं फरमाया कि अगर ये मच्छर के पर के बराबर भी होता तो हम किसी बेईमान को एक घूंट पानी नहीं पिलाते। पूरी दुनिया की मादियत जिस शक्ल में भी है अल्लाह की निगाह में उसकी हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत और उनके तमाम तर वसाइल और उनकी ताकतों का पोल इस तरीके से खोला है कि मसलुल लदीना तखजू मिन दुनिल्लाहि औलिया का मसलिल अनकबूत इत्तखजत बैतन व इन्नहु हनल बुयूत लबैतुल अनकबूत। अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं उन लोगों की मिसाल कि जिन्होंने अल्लाह के अलावा को अपना दोस्त बनाया, अपना मुश्किल कुशा समझा,
अपना हाजत रवा समझा, अपने मसाइल के हल होने का यकीन उन असबाब और वसाइल के साथ जोड़ा। अल्लाह फरमाते उनकी हैसियत हमारे सामने मकड़ी और मकड़ी के जाले की सी है। और यह फरमाया कि मकरों में सबसे ज्यादा कमजोर घर जो है यह मकड़ी का जाला है। अल्लाह फरमाते हैं सारी इंसानियत अपने तमाम तर वसाइल के साथ उनकी हैसियत हमारी निगाह में मकड़ी और मकड़ी के जाले से ज्यादा नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह का तो क्या मुकाबला करें, पूरी दुनिया मिलकर अल्लाह की एक छोटी सी छोटी मखलूक का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह ताला अगर हवा का एक झोंका छोड़ दे तो पूरी दुनिया मिलकर उस हवा के झोंके का मुकाबला नहीं कर सकते। पूरी कौम आज जो कह रही थी मन अशद्द मिन्ना कुव्वा, हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, पूरी कौम मिलकर उस हवा के झोंके का मुकाबला नहीं कर सका। और अल्लाह ताला ने पूरी कौम को जमीन पर ऐसा लिटा दिया जैसे खजूर के लंबे लंबे तने पड़े होते। ये सारी तरक्कियात के बावजूद एक हवा की झोंका का मुकाबला सारी दुनिया मिलकर नहीं कर सकती। अल्लाह पानी का एक रेला छोड़ दे तो पूरी दुनिया मिलकर उस रेले से अपने आप को बचा नहीं सकते। आप यकीन मानो अगर अल्लाह ताला पानी को सरकश बना दे, हमारे शहर में एक मरतबा 6 घंटे की बारिश हुई, 2 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक इतनी जबरदस्त बारिश हुई कि उस बारिश के नतीजे में पूरा शहर पानी में डूब गया, इलेक्ट्रिक का निजाम खत्म हो गया, बसों का निजाम खत्म हो गया, टेलीफोन का निजाम खत्म हो गया, मोबाइल का निजाम खत्म हो गया, सड़कों का ट्रेनों का निजाम खत्म हो गया। अल्लाह ने इस बात को बतलाया कि 6 घंटे की बारिश तुम्हारी सारी तरक्कियात को खत्म कर सकती है, इसलिए कि तुम कमजोर हो और तुम्हारे सारे नक्शे दुनिया के जो है वो सारे कमजोर है। इसलिए अल्लाह फरमाते हैं सबसे ज्यादा जो कमजोर है वो मकड़ी का जाला है। और आप जानते हैं जालों को तोड़ने के लिए लंबी चौड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती है, एक झाड़ा सारे एक झाड़ू का फिरा देना सारे मकड़ों के जालों को खत्म करने के लिए काफी हो जाता है। अल्लाह आग का एक लावा निकाल दे तो पूरी दुनिया मिलकर के उस आग के लावे को बुझा नहीं सकते। और अल्लाह जमीन को हिला दे तो चंद सेकंड में पूरी दुनिया कब्रिस्तान बन जाए, कोई अपने आप को इन जलजलों से बचा नहीं सकता। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ताला ने एक दीन दिया है और एक दीन की मेहनत दिया है और उसका एक काम और उसका एक महत दिया है और उसका एक मिजाज दिया है। जब काम अपनी सही शक्ल में अपनी मेहनत को पूरा कर देगा तो अल्लाह अपनी ताईद हमारे साथ करके अल्लाह ताला अपनी ताईद से दुनिया के सोए हुए नसीब को जगा देंगे। मेरे दोस्तों सारी इंसानियत इस तबाही के दहाने की तरफ जा रही है और आज देख लो पूरी दुनिया का हाल ये है कि दुनिया की अक्सरियत वो है कि अगर आज कयामत कायम हो जाए तो सारी इंसानियत चंद सेकंड के अंदर में जहन्नम में चली जाए, कभी वहां से निकल नहीं सकती है। ये पूरी दुनिया की अक्सरियत का हाल है। 75% इंसानियत दुनिया में वो है कि जो अल्लाह को नहीं जानती, आखिरत को नहीं जानती, नबी को नहीं जानती, आज कयामत कायम हो जाए तो सारी इंसानियत मरते ही हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में चली जाए। 75% ईमान वालों की आबादी वो है कि जो अक्सरियत वो है कि जो अल्लाह से गाफिल होकर और अपने दीन से बेखबर होकर जिंदगी गुजार रही है। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह ने एक बड़ा काम दिया है, इस काम के बारे में हमें यह तय करना है कि इस काम का एक मिजाज है, इस काम का एक नहज है, उस काम की एक तरतीब है, उस काम की एक नियत है, उस काम की एक मंजिल है, उस सब को सामने रखकर सही से सही करते हुए और अल्लाह के सामने आंसू बहाते हुए अपने आप को चलाना है ताकि इस मेहनत के जरिए से अल्लाह हमको भी बना दे और अल्लाह आलम को भी बना दे। कि भाई पूरा मजमा उसके लिए तैयार है। इसके लिए मेरे दोस्तों सबसे पहले तो हम पिछली जिंदगी पर अल्लाह से माफी मांगे कि आज तक काम के ताल्लुक से, काम के नहज के ताल्लुक से, काम के मिजाज के ताल्लुक से, काम की रूह के ताल्लुक से जो कमी कोताही हुई अल्लाह ताला इसको माफ फरमा दे और आइंदा काम की जो बुनियादें हैं उन बुनियादों के साथ अल्लाह हमारे लिए करना आसान फरमा दे, उसका पक्का इरादा करके अपने आप को पेश करना है, पिछले पर अल्लाह से माफी मांगना है। अल्लाह बड़े माफ करने वाले हैं। अल्लाह ताला अगर माफी मांग ले एक आदमी के गुनाह आसमानों को छू जाए, रेत के जर्रा से बढ़ जाए और अल्लाह कह दे अल्लाह मुझे माफ कर दे अल्लाह से, तो अल्लाह माफ फरमा देंगे और फरमाएंगे अल्लाह फरमाते हैं कि मुझे उसकी कोई भी परवाह नहीं होगी कि इतने बड़े गुनहगार को मैं कैसे माफ करूं।
इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह से माफी मांगते हुए आइंदा के बारे में तय करें कि हमें काम को सही करना है और पूरा करना है। कि भाई कैसे करना है, काम को सही करना है, पूरा करना है, रस्म से बचाना है, रिवाज से बचाना है, अपनी मनमानी से बचाना है, और काम को अपनी बुनियादों पर लाने के लिए जिस कुर्बानी की जरूरत है अल्लाह से मांग कर तदरीजी तौर पर अपने आप को उसमें आगे बढ़ाना है। कि भाई तैयार है पूरा मजमा, उसके लिए हिम्मत करके जो तकाजे आपके पास में रखे जाए उन तकाजों के लिए अपने आप को पेश करो कि हम उसके लिए तैयार है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, माशाल्लाह फरमाए, माशाल्लाह।